वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खबर ब्लेयर, जो पहुंचाए हर खबर आप तक। आप सबने तो इस साल के आईपीएल के मैचेस तो देखे ही होंगे। इस बार का आईपीएल कोविड की वजह से कैंसिल हो गया था, और जो भी क्रिकेट और आईपीएल के लवर्स हैं उनके लिए अच्छी खबर है खबर ब्लेयर के पास कि आईपीएल यूएई में फिर से स्टार्ट हो रहा है, और यह स्टार्ट सेप्टेम्बर से होगा, और फिर उसके बाद T20 वर्ल्ड कप भी यूएई में ही खेला जाएगा। और इस वीडियो में इस साल की आईपीएल की जर्नी हम आपको दिखाएंगे हमारी पिछली वीडियो से, जिसे आप भी फ्लैशबैक में चले जाएं। चलिए आईपीएल की इस साल की जर्नी हम स्टार्ट करते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपना पहले मैच में सनराइज़र हैदराबाद को 10 रनों से हरा दिया। हैदराबाद की टीम ने भले ही टॉस जीत लिया हो लेकिन मैच नहीं जीत पाई। मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सलामी बल्लेबाज नितीश राणा ने 80 और राहुल त्रिपाठी ने 53 की 50 के दम पर 6 विकेट पर 187 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 177 रन ही बना सकी। उसके लिए जॉनी बेयरस्टो ने 55 जबकि मनीष पांडे ने नाबाद 61 रन की पारी खेली। इस तरह के केकेआर ने आईपीएल 2021 में अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ करी है। जहां एक तरह हैदराबाद को आखिरी दो ओवरों में जीत के लिए 38 रन बनाने थे, 19वें ओवर करने आए पैट कमिंस के ओवर में अब्दुल समद ने 2 छक्के उड़ाते हुए 16 रन कूट डाले। अब उसे आखिरी ओवर में जीत के लिए 6 गेंदों में 22 रनों की ज़रूरत थी, तो आंद्रे रसल ने पहले 3 गेंदों में महज 3 रन देकर मुकाबले को केकेआर की मोड़ दी। आज आंद्रे रसल ने बल्ले के साथ नहीं गेंद के साथ कमाल दिखाया। इस ओवर में कुल 11 रन ही बने। मनीष पांडे ने आखिरी गेंद पर 6 लगाया पर मैच नहीं जिता पाए। इससे पहले नाइट राइडर्स ने सलामी बल्लेबाज नितीश राणा 80 और राहुल त्रिपाठी की 53 के 50 की बदौलत करने हैदराबाद के खिलाफ 6 विकेट पर 187 का लक्ष्य रखा, जो काफ़ी ही कठिन था चेन्नई जैसे मुश्किल पिच पर। सनराइज़ हैदराबाद के लिए राशिद खान ने 24 रन देकर एक बार फिर शानदार गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को परेशान किया, जबकि टीम का कोई भी गेंदबाज परेशान नहीं कर पाए। भुवनेश्वर कुमार भी आज पूरे लय में नहीं दिखे। T20 के भी यॉर्कर आज सही से नहीं गिर रहे थे। लास्ट के ओवरों में दिनेश कार्तिक ने 9 गेंदों में 22 रन बनाए, जो नाइट राइडर्स को 187 के टारगेट तक ले गई और लास्ट के 5 ओवरों में 42 रन ही जुटा सकी। अब देखते हैं। और राजस्थान रॉयल्स के बारे में, दोनों टीम के जो कैप्टन हैं वो विकेट कीपर हैं और दोनों ही इंडियन हैं। जहाँ पंजाब की बात करें उनके कैप्टन KL राहुल हैं, वहीं राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन संजू सैमसन हैं, जो पहली बार IPL में कैप्टनशिप कर रहे हैं। और दोनों टीम के पास ऐसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं जो जब चले चाहें किसी भी टीम को हरा सकते हैं। KL राहुल का फॉर्म पिछले IPL में अच्छा था, देखते हैं इस IPL में वो वैसा फॉर्म रख पाते हैं या नहीं। और वहीं संजू सैमसन जैसे प्लेयर हैं जो चल गए तो अकेले मैच जिता सकते हैं। वैसे राजस्थान और पंजाब दोनों के पास ऐसे प्लेयर हैं जो अकेले अपने दम पे मैच जिता सकते हैं। जहाँ पंजाब के पास क्रिस गेल जैसे हैं जो शायद इस बार अपना IPL का लास्ट सीज़न खेल रहे हों, तो वहीं मयंक अग्रवाल, निकोलस पुरन, डेविड मनाल जैसे टॉप T20 के स्पेशलिस्ट प्लेयर हैं। वहीं मोहम्मद शामी और जय रिचर्डसन जैसे क्रिस जॉर्डन T20 के स्पेशलिस्ट डेथ ओवर्स के प्लेयर हैं, जो पावर प्ले में भी विकेट निकाल के दे सकते हैं। स्थान इस बार अपने न्यू कैप्टन के साथ उतरेगा, जिनके पास वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर जॉस बटलर, बेन स्टोक्स हैं, तो वहीं इस IPL ऑक्शन में सबसे महंगे प्लेयर क्रिस मॉरिस भी हैं और राहुल त्रिवेदा जैसे लोकल टैलेंट भी हैं, जिन्होंने पिछले IPL में परफॉर्म करके इंडियन टीम में अपनी जगह बनाई थी। देखते हैं इस पिछले साल का जैसा परफॉर्मेंस राहुल त्रिवेदा इस साल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और डेविड मिलर जैसे विस्फोटक बल्लेबाज भी उन्होंने इस बार लिया है, लेकिन जोफ्रा आर्चर के जाने के बाद उनका बॉलिंग अटैक थोड़ा कमज़ोर ज़रूर हुआ है, लेकिन स्टोक्स, मॉरिस, एंड्रयू टाय, कार्तिक त्यागी जैसे डेथ ओवर्स का बॉलर हैं जो पावर प्ले में विकेट ले सकते हैं। देखते हैं राजस्थान रॉयल्स की ओपनिंग कॉम्बिनेशन क्या रहता है, क्या हुआ इस बार भी बेन स्टोक्स से ओपन कराएंगे या फिर बटलर से। उसके लिए देखते हैं आज के मैच की कौन सी टीम सबसे अच्छा परफॉर्म करती है और कौन सी टीम का सबसे अच्छा बैटिंग। राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग के मैच की बातें कर लेते हैं। ऐसी बैटिंग मैंने कभी नहीं देखी जैसी बैटिंग दोनों टीम के प्लेयर्स ने की आज। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला लिया। जवाब में KL राहुल और दीपक हुड्डा की अच्छी बैटिंग की वजह से पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स की टीम को 221 रन का मुश्किल टारगेट दिया। KL राहुल ने 50 बॉलों पर 91 रन पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 5 छक्के शामिल थे, तो वहीं दीपक हुड्डा ने 28 बॉलों पर 64 रन की मैच विनिंग पारी खेली, जिसमें 4 छक्के और 6 छक्के शामिल थे। राजस्थान की तरफ से अपना पहला मैच खेल रहे चेतन सकारिया ने 4 ओवर्स में 31 रन देकर 3 विकेट लिए। इसके जवाब में राजस्थान की शुरुआत बहुत ख़राब हुई। बेन स्टोक्स बिना खाता खोले ही मोहम्मद शामी की बॉल पर आउट हो गए। उसके बाद बटलर भी कुछ खास नहीं कर पाए, वो 25 रन पे ही
जय रिचर्डसन की बॉल पे बोल्ड हो गई। राजस्थान की बैटिंग वन मैन आर्मी शो जैसी रही। ऐसी बैटिंग मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी। संजू सैमसन ने अकेले अपने दम पर मैच को लास्ट बॉल तक ले गए। उन्होंने 63 बॉल पे 119 रन की पारी खेली, जिसमें 12 चौके और 7 छक्के शामिल थे। इसके साथ ही अपने डेब्यू कैप्टनशिप में अपना पहला मैच खेलते ही शतक लगाने वाले आईपीएल हिस्ट्री में वो पहले कैप्टन बने और पहले प्लेयर बने। पंजाब की ओर से अर्शदेव ने 4 ओवर्स में 35 रन देकर 3 विकेट लिए और उन्होंने ही लास्ट ओवर में 13 रन को डिफेंड करके दिखा दिया कि उन्होंने कितना टैलेंट भरा हुआ है। क्योंकि लास्ट ओवर में संजू सैमसन स्ट्राइक पे थे, लेकिन तब भी उन्होंने 13 रन को डिफेंड करके अच्छा ओवर निकाल के दिखाया। यह रही कल के मैच की मैच रिपोर्ट। अब आगे के प्रीमियर लीग के 5वें मुकाबले में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मुंबई इंडियंस के लिए ये मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अपना पिछला मैच रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से हार के आ रही है। वहीं केकेआर ने सनराइजर्स हैदराबाद को 10 रन से हराकर अपने सफर की शुरुआत की, और वैसे भी कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस का रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है। और वैसे भी डीकॉक की वापसी से मुंबई इंडियंस और ज़्यादा मजबूत हो गई है। क्वारंटीन में रह रहे डीकॉक ने पहला मैच नहीं खेल पाए थे, अब वह सिलेक्शन के लिए उपलब्ध है, तो उनका खेलना तो लगभग तय ही माना जा रहा है। इस बात की पूरी संभावना है कि वह कप्तान रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करने उतरेंगे। इसका मतलब है कि शानदार फॉर्म में चल रहे क्रिस लिन को बेंच पर बैठना पड़े। लिन ने पहले मैच में मुंबई इंडियंस की तरफ से सबसे ज़्यादा रन बनाए थे। मुंबई के क्रिकेट डायरेक्टर ज़हीर खान ने बताया कि डीकॉक ने टीम के साथ प्रैक्टिस की है। उन्होंने कहा कि यह एक अच्छा सिरदर्द है, एक ऐसी टीम का हिस्सा होना भाग्यशाली है जहां लोग मौकों का इंतज़ार करते हैं। मुंबई को उम्मीद होगी टॉप ऑर्डर के साथ साथ उसका शक्तिशाली लोअर मिडल ऑर्डर भी इस मैच में धोखा नहीं देगा। मुंबई इंडियंस के लिए हार्दिक पांड्या, किरण पोनार जैसे मैच विनर ऑलराउंडर भी हैं। अपनी बात कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए कर लें, उनके लिए बहुत टेंशन की बात है। मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच अब तक कुल 27 मैच हुए हैं, जिनमें 21 में मुंबई इंडियंस को जीत मिली है। पिछले 10 मुकाबलों में से 9 मुंबई इंडियंस ने जीते हैं। ऐसे में केकेआर और मुंबई इंडियंस अब अपना दबा कायम रखना चाहेगी। कोलकाता के लिए सबसे बड़ी चिंता उसके स्पिन गेंदबाज है, जो रविवार के मैच में नहीं चले। तो आपको क्या लगता है, आज का मैच कुलदीप यादव खेलेंगे कि नहीं? वहीं मुंबई इंडियंस के पास टॉप ऑर्डर में रोहित शर्मा, डीकॉक, सूर्य कुमार यादव जैसे बल्लेबाज हैं, तो मिडिल ऑर्डर में पांड्या बंधु, किरण पोलार्ड जैसे विस्फोटक खिलाड़ी हैं। ऐसे में केकेआर को अपनी स्पिन गेंदबाजी बेहतर करनी ही। बात कर लेते हैं दोनों ही टीम के प्लेइंग के कॉम्बिनेशन में। दोनों टीम आज अपना कौन से प्लेइंग 11 की बेस्ट टीम उतारेगी, आज ही जानते हैं। सबसे पहले मुंबई इंडियंस के बारे में, जिनकी प्लेइंग इलेवन शायद आज ये हो सकती है। ओपनर रोहित शर्मा, डीकॉक, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, पोलार्ड, राहुल चहर, नेथन कॉन्टरनाइल, ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह। तो वहीं दूसरी तरफ केकेआर की प्लेइंग इलेवन शायद ये हो सकती है। ओपनिंग पे शुभमन गिल, नितीश राणा, राहुल त्रिपाठी, आंद्रे रसल, यौन मोरगल, दिनेश कार्तिक, साकिब अल हसन, पैट कमिंस, प्रसिद्ध कृष्णा, हरभजन सिंह और वरुण चक्रवर्ती। देखते हैं आज कौन से अपनी प्लेइंग 11 उतारती है बेस्ट। हमारी तो प्लेइंग 11 यह है, तो आपकी प्लेइंग 11 क्या है हमें जरूर बताएं। चैलेंज बेंगलोर ने अपने आईपीएल की स्टार जीत के साथ की, वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को कोलकाता नाइट राइडर्स से हार का सामना करना पड़ा। इसमें कोई शक नहीं है कि ऑन पेपर रॉयल चैलेंज बेंगलोर की टीम का कोई तोड़ नहीं है, लेकिन मैदान पे सनराइजर्स की हैदराबाद की टीम उसे पर भारी पड़ नज़र आती है। क्यों और कैसे, इसके बारे में चलिए आज बात करते हैं। अगर सनराइजर्स हैदराबाद को आज का मैच जीतना है तो डेविड वार्नर का चलना बहुत ही ज़रूरी है। डेविड वार्नर के साथ जॉनी बेयरस्टो और मनीष पांडे का चलना भी उतना ही ज़रूरी है। बात करें अगर बॉलिंग अटैक की, सनराइजर्स हैदराबाद की बॉलिंग अटैक बहुत ही सॉलिड है। यूँ कहिए तो सबसे फेवरेट इस आईपीएल में सबसे फेवरेट बॉलिंग अटैक सनराइजर्स हैदराबाद की है। राशिद खान जहां स्पिनिंग डिपार्टमेंट संभालते हैं, तो वहीं पर भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन, संदीप शर्मा जैसे पेस अटैक उन्हें और मजबूत बनाते हैं, और ये पेस अटैक उनको डेथ ओवरों में या फिर पावर प्ले में विकेट ले के भी देते हैं। जहाँ पहले मैच में राशिद खान को छोड़कर कोई बॉलर चल नहीं पाया था, अब देखते हैं आज के मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के बॉलर क्या कमाल करके दिखाते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद का मिडल ऑर्डर एक बार फिर समस्याओं का कारण बना हुआ है। देखते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आज कौन सी प्लेइंग 11 के साथ
उतरती है। क्या वो आज केन विलियमसन को प्लेइंग 11 में जगह देंगे या फिर जेसन होल्डर उनके खेलेंगे? सन हैदराबाद की टीम ने मोहम्मद नबी के साथ या फिर वो मोहम्मद नबी के साथ ही जाते हैं, तो हमें आज के मैच में पता चलेगा कि उनका प्लेइंग 11 क्या रहता है। अब बात करते हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम के बारे में। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम स्ट्रॉन्ग है और देवदत्त पाडिकल के आने के बाद और स्ट्रॉन्ग हो गई है, क्योंकि देवदत्त पाडिकल बहुत ही अच्छे फॉर्म में। उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार 4 शतक बनाने का रिकॉर्ड भी बनाया है। अब देखते हैं आज के मैच में एवी डिविलियर्स क्या करेंगे, और मैक्सवेल का गेम भी देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आरसीबी को एक बड़ा टोटल करना है तो मैक्सवेल का खेलना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए अब बात करते हैं आरसीबी की बॉलिंग के बारे में। आज चहल का चलना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि चहल अपने पुराने लय में दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखते हैं चेन्नई की पिच पे जो स्पिनिंग ट्रैक है, चहल अपना जादू दिखा पाते हैं कि नहीं। और हर्षल पटेल जैसे एक मैच विनर तो पिछले मैच में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को मिल ही गए हैं, जो बॉल के साथ साथ बैट से भी थोड़ा कमाल कर सकते हैं। देखते हैं आज पिछले मैच का कमाल वो इस मैच में दिखा पाते हैं कि नहीं। और काइल जेमिनसन और मोहम्मद शिया जैसे बॉलर तो उनके पास हैं, जो डेथ ओवरों में और पावर प्ले में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को विकेट दिला के दे सकते हैं। IPL 2021 में आज का मैच रॉयल चैलेंजर बेंगलोर वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद का होने वाला है। चलिए हम आज प्रेडिक्ट करते हैं दोनों ही टीम के प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन के बारे में। जहां एक तरफ रॉयल चैलेंजर बेंगलोर पिछले मैच में जीत के साथ आ रही है, तो इसलिए शायद वो अपने प्लेइंग 11 में ज़्यादा चेंजेस ना करें। से देवदत्त पाटिकल आएंगे रजत पाटीदार की जगह। ये रही रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की प्लेइंग 11। ओपन की जिम्मेदारी एक बार फिर विराट कोहली और देवदत्त पाटिकल संभालेंगे, तो वहीं मिडल ऑर्डर में एवी डिविलियर्स के साथ ग्लेन मैक्सवेल पे जिम्मेदारी रहेगी। ऑलराउंडर पे वाशिंगटन सुंदर, शहबाज अहमद और डैन क्रिश्चियन जहाँ रहेंगे, तो वहीं बॉलिंग अटैक पे काइल जेमिनसन, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज और युजवेंद्र चहल रहेंगे। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अपना पिछला मैच हार के साथ आ रही है, तो उनके प्लेइंग 11 में थोड़े चेंजेस हो सकते हैं। ओपनिंग स्लॉट पे डेविड वार्नर, जॉनी बेयरस्टो, आज मैं केन विलियमसन को मोहम्मद नबी की जगह खिलाना चाहता हूं, और उसके बाद मनीष पांडे, और मैं शाह की जगह आज केदार यादव को खिलाना चाहता हूं, जो थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कर लेते हैं। फिर उसके बाद अब्दुल समाद, विजय शंकर, राशिद खान, भुवनेश्वर कुमार, संदीप शर्मा और टी नटराजन के साथ मैं उतरना चाहता हूँ। हमारी तो ये रही प्लेइंग 11 प्रेडिक्शन, और आपकी क्या है प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन। एक ब्रेकिंग खबर लेकर हम आए हैं आपके लिए आईपीएल से। दिल्ली कैपिटल्स के फास्ट बॉलर एनरिक नॉर्जे कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, और जो कि साउथ अफ्रीका से आए हैं अपनी पाकिस्तान की सीरीज बीच में ही छोड़ के। अक्षर पटेल के बाद नॉर्जे भी पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन अभी वो क्वारंटीन में हैं, टीम के साथ बायो बबल में नहीं है। दिल्ली कैपिटल्स के लिए ये एक बड़ा झटका है, क्योंकि वो एटलीस्ट 4 से 5 मैच तो मिस करेंगे ही करेंगे। दिल्ली कैपिटल्स के लिए मुसीबतें बढ़ती ही जा रही है। पहले उनके कैप्टन श्रेयस अय्यर चोट के कारण बाहर हो गए थे पूरे सीजन से, फिर अक्षर पटेल कोविड पॉजिटिव पाए गए, अब एनरिक नॉर्जे। जब तक उनकी रिपोर्ट ना नेगेटिव नहीं आती, तब तक उनको आइसोलेशन में रखा जाएगा। तो पता नहीं कब तक उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी और कितने मैच मिस होंगे, ये तो आगे ही पता चल देगा। के आज के मुकाबले में सनराइजर हैदराबाद और आरसीबी के बीच हुआ। सनराइजर हैदराबाद ने वैसा ही किया जैसे हमेशा करती है, आज भी वो जीतते जीतते हार गई। लगातार दूसरी जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टॉप पर पहुँच गई है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने IPL 14 के एक बेहद रोमांच मुकाबले में सनराइजर हैदराबाद को 6 रन से हरा दिया। बेंगलोर ने मैक्सवेल के 59 रनों की मदद से 149 रन बनाए थे, जवाब में हैदराबाद की टीम 9 विकेट के नुकसान पर 143 रन ही बना सकी। जब तक डेविड वार्नर मैदान पर थे टीम जीत रही थी, लेकिन उनके आउट होने के बाद लगातार विकेट गिरते रहे और हैदराबाद मैच गंवा बैठी। इस तरह विराट की कप्तानी वाली बेंगलोर लगातार दूसरे मैच जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुँच चुकी है। उसके 2 मैचों में 4 पॉइंट्स हैं। मैच में बेंगलोर के लिए शहबाज अहमद ने 3, जबकि मोहम्मद सिराज और हर्षल पटेल ने 2-2 विकेट झटके। दूसरी ओर हैदराबाद की ये दूसरी हार है। आखिरी 2 ओवरों में चाहिए थे 27 रन। 19वें ओवर करने आए सिराज की पहली ही गेंद पर राशिद खान ने छक्का जड़ते हुए हैदराबाद की उम्मीदों को बल दिया, तो तीसरी गेंद पर जैसन होल्डर आउट हो गए।
इसी ओवर में कुल 11 रन बने। इस तरह आखिरी ओवर में सनराइजर हैदराबाद को जीत के लिए 16 रन चाहिए थे, जबकि गेंद हर्षल पटेल के पास थी। राशिद खान ने 9 गेंदों पर 18 रन बनाए, जिसमें एक चौका एक छक्का शामिल हैं। ने बहुत कोशिश की, लेकिन चौथे गेंद पर रन आउट हो गए। इसके बाद हर्षल ने शहबाज नदीम को 0 पे आउट करते हुए हैदराबाद की उम्मीदों समाप्त। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की इनिंग में भी बहुत ही उतार चढ़ाव देखने को मिले। ऑस्ट्रेलिया ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने 41 गेंद में 59 रन बनाकर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ 8 विकेट पर 149 रन तक पहुंचा दिया। जैसन होल्डर की अगुवाई ने सनराइजर हैदराबाद की गेंदबाजों में शानदार प्रदर्शन किया। होल्डर ने 30 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि स्टार स्पिनर राशिद खान ने 4 ओवरों में 18 रन देकर 2 विकेट चटकाए। भूमि ने पेडिकल को आउट किया। तीसरे ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने पेडिकल को आउट किया, जिसका जो कोरोना संक्रमण से उबरने के बाद अपना पहला मैच खेल रहे थे। अगला विकेट शहबाज अहमद के रूप में गिरा, जब आरसीबी का स्कोर 47 रन था। मैक्सवेल ने इसके बाद हाथ खोलने शुरू कर दिया और शहबाज नदीम को 11वें ओवर में पहले 3 गेंद में 2 छक्के और 1 चौका लगाया। कोहली ने भी इस ओवर में 1 चौका जड़ा। आरसीबी की इनिंग में विराट कोहली को एक बार फिर से अच्छा स्टार्ट मिला, लेकिन वो स्टार्ट को फिर से एक बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए। और आज एबी डिविलियर्स का भी बल्ला शांत रहा। सिर्फ मैक्सवेल ने आरसीबी की इनिंग को एक फाइटिंग टोटल तक पहुंचाया। इसी के इनिंग के बाद हैदराबाद की खराब शुरुआत रही। लक्ष्य का पीछा करते हुए उतरी हैदराबाद की टीम ओपनर रिद्धिमान शाह का 1 रन बनाकर ही आउट हो गए। उन्होंने 9 गेंदों का सामना किया। डेविड वार्नर आज अच्छे फॉर्म में नजर आए। उन्होंने पिछले मुकाबले में संघर्ष भरी पारी खेलने वाले मनीष पांडे ने आक्रामक रूप अख्तियार किया। खासतौर पर वार्नर ने बेंगलोर के प्रमुख गेंदबाजों को जमकर निशाना बनाया। उन्होंने 21वीं गेंद पर हाफ सेंचुरी पूरी की। हालांकि वह खतरनाक होते इससे पहले ही काइल जेमिसन ने उन्हें डेनियल क्रिश्चियन के हाथों कैच आउट करवा दिया। उन्होंने 37 गेंदों में 7 चौके और 1 छक्के की मदद से 54 रन ठोके। मैच का सबसे बड़ा रोमांच मैच का 17वां ओवर था। जब वार्नर आउट हुए तब हैदराबाद के 13.2 ओवरों में 90 रन बना। जब मनीष पांडे और बैट्समैन ने मिलकर टीम को 100 रनों का आंकड़ा पार कराया तो लगा हैदराबाद आसानी से जीत जाएगी। लेकिन शहबाज अहमद ने 17वें ओवर में दोनों को लगातार 2 गेंदों में चलता करते हुए मैच में रोमांच ला दिया। इसी ओवर में उन्होंने अब्दुल समद 0 को भी आउट किया। मनीष ने 39 गेंदों में 38 रन बनाए तो जॉनी बैट्समैन ने 13 गेंदों में 12 रन ही पारी खेली। यहाँ हैदराबाद के विजय शंकर से उम्मीद थी, लेकिन वह 18वें ओवर में आखिरी गेंद में हर्षल पटेल के शिकार बन गए। इस तरह हैदराबाद के पाले से मैच फिसल गया और विराट की टीम टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत हासिल करके पॉइंट टेबल पर टॉप पे बनी गई। 14 में आज का मैच राजस्थान रॉयल्स वर्सेज दिल्ली कैपिटल्स का है, जहाँ दिल्ली कैपिटल्स अपना पहला मैच बड़े ही आसानी से जीत कर आ रही है, तो वहीं राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन संजू सैमसन ने पिछले मैच में आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे यादगार पारी खेली है। भले ही वो मैच जिता नहीं पाए, लेकिन उन्होंने लाखों दिलों पे जरूर जीत लिया हो। मैंने तो आज तक आईपीएल की हिस्ट्री में ऐसी इनिंग कभी नहीं देखी, क्या आपने देखी है? दिल्ली कैपिटल्स की टीम की जो ओपनिंग जोड़ी है वह आईपीएल की सभी टीमों में सबसे खतरनाक जोड़ी है। पृथ्वी शॉ अपनी लाइफ के टॉप फॉर्म में चल रहे हैं, तो वहीं शिखर धवन ने भी अपने पिछले आईपीएल का फॉर्म इस आईपीएल में भी बरकरार रखा है। जहां अभी तक दिल्ली कैपिटल्स के मिडल ऑर्डर की बात है जो अभी तक टेस्ट नहीं हो पाया है, लेकिन उनके मिडल ऑर्डर्स में के पास एक्सपीरियंस बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे हैं। फिर उनके बाद आते हैं यंग कैप्टन ऋषभ पंत, जो कि आजकल बेहतरीन फिनिशर के फॉर्म में चल रहे हैं। और लास्ट ओवर के लिए उनके पास मार्कस स्टोनिक, सिमरन हेटमायर जैसे बल्लेबाज तो हैं ही, जो कि अकेले अपने दम पर मैच फिनिश कर सकते हैं। आईपीएल में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले स्पिनर दिल्ली कैपिटल्स के पास भी है, अमित मिश्रा और रविचंद्र अश्विन जैसे। वहीं बात अगर राजस्थान रॉयल्स की करें तो बेन स्टोक्स के जाने के बाद राजस्थान रॉयल्स को बहुत फर्क पड़ा है, और जोफ्रा आर्चर का भी उनके पास नहीं है। पता नहीं वो कब वापस आएंगे, कितने मैच खेल पाएंगे, या फिर वापस आएंगे कि भी नहीं आएंगे, ये देखते हैं। अब आज देखते हैं बेन स्टोक्स की जगह राजस्थान रॉयल्स की टीम किसे खिलाती है। सबसे अच्छा ऑप्शन बेन स्टोक्स की जगह तो लिविंगस्टोन है, वो भी इंग्लैंड के हैं और ओपनिंग बैटिंग भी कर लेते हैं और स्पिन बॉलिंग भी कर लेते हैं। बाकी संजू सैमसन और जॉस बटलर जैसे मैच विनर तो है ही उनके पास। राहुल तेवतिया और रियान पराग जैसे लोकल टैलेंट भी हैं, जो उनके पास हिटिंग कर लेते हैं और मैच जिता भी सकते हैं।
आईपीएल और आईपीएल के मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर क्रिस मॉरिस हैं ही उनके। अब देखते हैं आज कौन सी टीम अपनी सबसे अच्छी प्लेइंग 11 के साथ उतरेगी और कौन सी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के मैच में राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 3 विकेट से हरा के इस आईपीएल में अपनी पहली जीत दर्ज की। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला लिया और उनका यह फैसला सही भी साबित रहा। दिल्ली कैपिटल की तरफ से पंत को छोड़कर कोई भी उनका बल्लेबाज टिक नहीं पाया। उन्होंने 32 बॉलों पे 51 रनों की पारी खेली और दिल्ली कैपिटल्स का टोटल 147 तक पहुंचाया। वहीं राजस्थान रॉयल्स की टीम में वापसी कर रहे फास्ट बॉलर जयदेव उनाडकर ने 4 ओवर में से 15 रन देकर 3 महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की। राजस्थान रॉयल्स की भी बैटिंग कुछ खास नहीं रही और उनके टॉप 4 के बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए। उनकी डेविड मिलर ने 43 बॉलों पर 62 रनों की पारी खेली और मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर मॉरिस ने फिनिशर का रोल अपनाया और 18 बॉलों पर 36 रन बनाकर नॉट आउट रहे और मैच को समाप्त करके ही लौटे। आज के मैच में क्रिस मॉरिस ने बता दिया कि वह कितने वैल्यूबल प्लेयर हैं। मुश्किल में भी पड़ी राजस्थान रॉयल्स की टीम को उन्होंने जीत तक पहुँचाया। उन्होंने वर्ल्ड बेस्ट T20 बॉलर रबाडा के 19th ओवर में 2 छक्के लगाए और मैच को राजस्थान रॉयल्स की तरफ कर दिया और लास्ट में 6 के साथ ही उन्होंने राजस्थान रॉयल्स को जीत दिलाई। इसके साथ उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के ड्रेसिंग रूम को भी ये बता दिया कि उनके 5 छक्के मारने की काबिलियत भी है। आज दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 कुछ समझ में नहीं आ रही थी। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए तो उन्होंने अपने बॉलिंग अटैक स्ट्रॉन्ग किया। टॉम करन की जगह उन्हें स्टीव स्मिथ या हेटमायर को खिलाना चाहिए था क्योंकि स्टीव स्मिथ बहुत ही एक्सपीरियंस बैट्समैन है जो इस पिच पे टिक सकते थे। अब पता नहीं ऐसा कॉम्बिनेशन सा क्यों दिल्ली कैपिटल्स की टीम उतरी। क्या रिकी पॉन्टिंग ने ऐसी टीम को उतारा। अब आगे के मैचों में देखते हैं दिल्ली कैपिटल्स किस कॉम्बिनेशन के साथ अपनी उतरती है। का आज का मुकाबला बहुत ही बड़ा है। आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होने जा रहा है। इसी ग्राउंड में कल का मैच बड़ा ही लो स्कोरिंग रहा जहाँ एक तरफ चेन्नई सुपर किंग्स अपना पहला मैच दिल्ली कैपिटल से हार के आ रही है वहीं पंजाब किंग्स अपना पहला मैच राजस्थान रॉयल्स से जीत कर आ रही है जो बड़ा ही थ्रिलिंग मैच था। वैसे वानखेड़े स्टेडियम अपने हाई स्कोरिंग रन के लिए बहुत ही मशहूर है। वहाँ पंजाब की तरफ से KL राहुल, निकोलस पुरन, क्रिस गेल, मयंक अग्रवाल जैसे विस्फोटक बल्लेबाज हैं तो वहीं CSK की तरफ से MS धोनी, सैम करन, रविंद्र जडेजा, सुरेश रैना जैसे बल्लेबाज हैं जो आखिरी ओवर में भी मैच जिता सकते हैं। देखते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से ओपनिंग पेयर कौन होंगे। क्या फाफ डुप्लेसी और ऋतुराज गायकवाड़ के साथ ही उतरेंगे या फिर फाफ डुप्लेसी ही सैम करन या मोइन अली के साथ ओपन करेंगे। और आज की सबसे बड़ी बात ये रहेगी जी, देखते हैं कि MS धोनी कौन से नंबर पर बैटिंग करने आएंगे। वहीं दूसरी तरफ पंजाब किंग्स की टीम बहुत ही बैलेंस टीम है। दीपक हुडा जैसे मिडल ऑर्डर में जल्दी से रन निकाल के देने वाले उनको एक इंडियन टैलेंट बैट्समैन भी मिल गए हैं। देखते हैं वो आज रवि बिश्नोई को लेग स्पिनर के तौर पर उतारेंगे या नहीं। और देखते हैं आज के मैच में कौन सी टीम अच्छा परफॉर्म करती है और कौन सी टीम अच्छा जीतती है। हमें अपना प्रेडिक्ट 11 कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके के प्लेइंग 11 क्या होंगे। आज का मुकाबला मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में है जो चेन्नई के में खेला जाएगा। सनराइजर्स हैदराबाद अभी भी अपनी पहली जीत के लिए वेट कर रही है और उन्हें ये तभी मिलेगी जब वो अपनी प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस करेंगे। जी हाँ, मेरा मतलब है आज उन्हें मिडल ऑर्डर में केन विलियमसन को खिलाना ही पड़ेगा। और मैं सनराइजर हैदराबाद में 2 और चेंजेस देखना चाहता हूँ। एक तो जो केदार जाधव को रिमान शाह की जगह खेलना पड़ेगा और विजय शंकर की जगह अभिषेक शर्मा को सनराइजर हैदराबाद में खिलाना ही पड़ेगा। मनीष पांडे अब एक एक्सपीरियंस प्लेयर हो गए हैं, अब उनको मैच फिनिश करके ही लौटना पड़ेगा। दोनों मैच में वो सेट होकर आउट हो गए। आज के मैच में सनराइजर हैदराबाद अपनी किस्मत बदल पाएंगे, देखते हैं आज के मैच में। रही बात मुंबई इंडियंस की, वो अपना पिछला मैच हारा हुआ भी मैच जीत कर आ गई है। उनके प्लेइंग 11 में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे लेकिन फैंस अभी भी रोहित शर्मा की एक विस्फोटक पारी का इंतजार कर रही है। क्या उनका ये इंतजार आज खत्म होगा, क्या रोहित शर्मा एक अच्छी पारी खेलेंगे। में आज का मुकाबला मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में है जो चेन्नई के में खेला जाएगा। सनराइजर हैदराबाद अभी भी अपनी पहली जीत के लिए वेट कर रही है और उन्हें ये तभी मिलेगी जब वो अपनी प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस करेंगे। जी हाँ, मेरा मतलब है आज उन्हें मिडल ऑर्डर में केन विलियमसन को खिलाना ही पड़ेगा। और मैं सनराइजर हैदराबाद में 2 और चेंजेस देखना चाहता हूँ। एक तो जो केदार जाधव को रिमान शाह की जगह खेलना पड़ेगा और विजय शंकर की जगह अभिषेक शर्मा को सनराइजर हैदराबाद में खिलाना ही पड़ेगा।
मनीष पांडे अब एक एक्सपीरियंस प्लेयर हो गए हैं, अब उनको मैच फिनिश करके ही लौटना पड़ेगा। दोनों मैच में वो सेट होकर आउट हो गए। आज के मैच में सनराइजर हैदराबाद अपनी किस्मत बदल पाएंगे, देखते हैं आज के मैच में। यही बात मुंबई इंडियंस की, वो अपना पिछला मैच हारा हुआ भी मैच जीत कर आ गई है। आज के मैच की क्या ही बात करें हम, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप होने के बाद भी पंजाब किंग्स की टीम ने 127 रन का टारगेट ही दिया हुआ चेन्नई सुपर किंग्स को। जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स ने 15.4 ओवर्स में मैच अपने नाम कर लिया। आज के मैच के असली हीरो है दीपक चहर, उन्होंने 4 ओवर्स में सिर्फ 13 रन्स देकर 4 महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए। ऐसी भी बॉलिंग कोई कर सकता है क्या? उनकी बॉलिंग पंजाब के प्लेयर समझ नहीं पाए कि उन्हें कैसे शॉट मारना है, सब अपनी विकेट एक लूज शॉट देके गवा बैठे। आज पंजाब की टीम का अपर ऑर्डर का एक भी बैट्समैन चल नहीं पाया। ये तो पंजाब की टीम की वही बात होगी, बैटिंग करते हुए इतने बैटिंग लाइनअप, इतने विस्फोटक बल्लेबाज के नाम बड़े और उनके दर्शन हो गए छोटे। आज तो आज मैच का टर्निंग पॉइंट मेरे लिए था जडेजा का रनआउट करना जो उन्होंने केएल राहुल को किया। और इसी पिच पे चेन्नई सुपर किंग्स ने इजी टारगेट को अचीव कर लिया और मैच को अपने नाम किया। अब देखिए पंजाब के प्लेयर स्ट्रॉन्ग आगे बढ़ते हैं, उसके लिए देखना पड़ेगा आगे के मैच में पंजाब की क्या बैटिंग कॉम्बिनेशन, क्या बॉलिंग कॉम्बिनेशन। आईपीएल में कल के मैच की क्या ही बात कर लें, कल का मैच मुंबई इंडियंस और सनराइजर हैदराबाद के बीच में था। मुंबई इंडियंस ने सनराइजर हैदराबाद को 13 रन से हरा कर अपनी दूसरी जीत दर्ज की और पॉइंट टेबल के टॉप पर बन गए। इसी के साथ सनराइजर हैदराबाद ने अपने हार की हैट्रिक पूरी की, वो लगातार 3 बार हारता जीतता हुआ मैच हार गए। एक बार फिर मुंबई इंडियंस के बॉलर ने छोटे टारगेट को डिफेंड करके दिखा दिया कि इस आईपीएल में उनकी बॉलिंग अटैक सबसे स्ट्रॉन्ग है। एक बार फिर मुंबई इंडियंस की जीत के हीरो रहे उनके 3 बॉलर्स की तिगड़ी। राहुल चहर ने अपने 4 ओवर्स में सिर्फ 19 रन देकर 3 महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल की। वहीं पर जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर्स में मात्र 14 रन देकर 1 विकेट लिया और उनके साथी जोड़ीदार ट्रेंट बोल्ट ने 4 ओवर में मात्र 28 रन देकर 3 सफलताएं हासिल की और मुंबई इंडियंस को जीत तक पहुंचाया। मैच में मुंबई इंडियंस ने पहली बैटिंग करते हुए 5 विकेट्स पर 150 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद की शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई और उनके ओपनर जॉनी बेयर्स और डेविड वार्नर ने 67 रन जोड़ने के बाद भी पूरी टीम 137 रन पे आउट हो गई। वैसे यह सनराइजर हैदराबाद की कोई नई बात नहीं है, वह एक बार फिर जीता हुआ मैच हार गई और पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे तक पहुंच गई। इससे पहले रोहित शर्मा की बेहतरीन शुरुआत के बाद और आखिरी ओवर्स में किरण पोलार्ड की बारी की बदौलत मुंबई इंडियंस की टीम ने 150 का टोटल तक पहुंच पाई और किरण पोलार्ड ने 22 बॉलों पर 35 रन की पारी खेली। लगातार 2 मैच हारने के बाद सनराइजर हैदराबाद की टीम ने अपनी टीम में 4 बदलाव किए। उन्होंने विराट सिंह, अभिषेक शर्मा, खलील अहमद और मुजीबी और रहमान को खिलाया। लेकिन मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, जब तक वो केन विलियमसन को नहीं खिलाएंगे वो जीत नहीं पाएंगे क्योंकि उनका मिडिल ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा वीक है। अब देखते हैं आगे के मैच में सनराइजर हैदराबाद की क्या रणनीति रहेगी, क्या वो विलियमसन को खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे, देखते हैं आगे के मैच। IPL 14 का आज पहला डबल हेडर मैच है। पहला मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच चेन्नई में खेला जाएगा। वहीं दूसरा मैच दिल्ली कैपिटल वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच मुंबई में खेला जाएगा। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर जहां आज जीत की हैट्रिक के साथ उतरेगी। मैच के आने के बाद रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का मिडिल ऑर्डर और भी स्ट्रॉन्ग हो गया है, तो वहीं पर RCB की किस्मत भी थोड़ी बदल गई है। पिछला मैच रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को बॉलर्स ने जिताया था जो कभी उनकी वीकनेस हुआ करती थी। वही बात हम कोलकाता नाइट राइडर्स की करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपना पहला मैच तो जीत लिया लेकिन अपने दूसरे मैच वो जीता हुआ भी हार गई। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए टेंशन की बात सबसे बड़ी बात यह है कि उनके 2 प्लेयर्स स्टार प्लेयर्स इयान मॉर्गन और आंद्रे रसल दोनों मैच में नहीं चल पाए। जहाँ आंद्रे रसल ने पिछले मैच में बॉलिंग के साथ तो कारनामा करके दिखाया, बस वो बैटिंग के साथ मैच नहीं जिता पाए। दोनों ही मैचों में नीतीश राणा ने तो अच्छी बल्लेबाजी की पर वो मैच को फिनिश तक नहीं ले जा पाए। आज देखते हैं रॉयल चैलेंज बेंगलोर की तरफ से क्या विराट शतक बना पाएंगे, देखते हैं आज के मैच में जो आज दिन में होगा। वहीं बात आज के दूसरे मैच की कर लेते हैं। आज का दूसरा मैच दिल्ली कैपिटल वर्सेस पंजाब किंग्स का है, जहां दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स दोनों ही अपना एक मैच जीतकर और एक मैच हार कर आ रही है और दोनों ही टीम की बैटिंग लाइनअप बहुत ही स्ट्रॉन्ग है।
और आज का मैच तो वैसे ही मुंबई की पिच में देखते हैं आज हमें वहाँ पे जैसे हाई स्कोरिंग मैच है, छक्के चौके कितने देखने को मिलेंगे। पिछला मैच अपना पंजाब ने बड़ा चेन्नई के साथ ऐसा हारी जैसे उनके बैटिंग लाइनअप पे बहुत ही सवाल खड़े हो गए हैं। अब दिल्ली की टीम ने पिछले मैच में अपना मिडिल ऑर्डर बहुत ही वीक कर लिया, एक उन्होंने अपना एक बैट्समैन कम खिलाया। देखते हैं आज के मैच में वह स्टीव स्मिथ या शिमरन हेटमायर के साथ उठेंगे या फिर एक्स्ट्रा बॉलर ही खिलाएंगे, देखते हैं वो आज के मैच में क्या करते हैं। वहीं पंजाब आज ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे अपनी प्लेइंग 11 में, बस देखते हैं आज केएल राहुल और क्रिस गेल का बल्ला चलता है कि नहीं। वैसे भी आज केएल राहुल का बर्थडे भी है, क्या उनकी टीम उन्हें उसका तोहफा देगी। आज का पहला मैच बड़ा ही शानदार रहा, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 38 रन से हरा के अपनी जीत की हैट्रिक पूरी की और इस जीत के साथ फिर से टेबल पर टॉप पर पहुंच गए। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और मैक्सवेल के 49 बॉल्स पे 9/4/6 मदद से 78 रन और डिविलियर्स ने 34 बॉलों पे 9 चौके 3 छक्कों की मदद से 76 नाबाद रहे और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के टोटल को 204 तक पहुंचाया। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम 20 ओवर्स में 8 विकेट पे 166 रन पे ही बना पाई। इसी के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स को इस सीज़न में लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से आंद्रे रसल ने 20 बॉलों पे 31 रन बना के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर रहे। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से कैप्टन मॉर्गन एक बार फिर नहीं चल पाए और यही उनके सरदर्द बना हुआ है कि उनका कोई भी बैट्समैन चल नहीं पा रहा है। स्टार्ट सबको मिलती है लेकिन चलता कोई नहीं है। शुभमन गिल, रितेश राणा सबको स्टार्ट मिली लेकिन कोई नहीं चल पाया और इसी के साथ दिनेश कार्तिक का फ्लॉप शो इस बार भी चलता रहा। अब देखते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आगे के मैच में क्या कर पाती है। के आईपीएल के दूसरे मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। पंजाब किंग्स ने पहले बैटिंग करते हुए मयंक अग्रवाल और केएल राहुल की तूफानी हाफ सेंचुरी की मदद से 4 विकेट्स पे 195 रन का अच्छा टारगेट रखा। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 18.2 ओवर्स में 4 विकेट्स खोकर इस टारगेट को अचीव कर लिया। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से शिखर धवन ने 49 बॉलों पे 13/4/2 की मदद से 92 रन की विस्फोटक पारी खेली। एक बार फिर धवन और पृथ्वी शाह की जोड़ी ने दिल्ली को एक शानदार शुरुआत दी। दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 3 मैचेस में यह दूसरी जीत है, अब वो पॉइंट टेबल में दूसरे नंबर पे आ गए हैं। इससे पहले मयंक अग्रवाल और केएल राहुल ने पंजाब किंग्स को एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत दी। दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 122 रन जोड़े। मयंक अग्रवाल आज कुछ अलग ही लय में नजर आ रहे थे। आज उन्होंने किसी भी बॉलर को नहीं छोड़ा। उन्होंने 36 बॉल्स में 4 चौके और 4 छक्कों की मदद से 69 रन की एक बेहतरीन पारी खेली, लेकिन एक बार फिर पंजाब किंग्स के लिए उनके बॉलिंग अटैक एक सरदर्द साबित हो रही है। वो इतने बड़े टोटल को भी डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। पंजाब किंग्स की ओर से मोहम्मद शामी ने 4 ओवर में 53 रन दिए और वो सबसे महंगे साबित हुए। वो मोहम्मद शामी एक T20 के स्पेशलिस्ट बॉलर माने जाते हैं। अब आगे के मैचेस में देखते हैं कि पंजाब किंग्स कौन से बॉलिंग लाइनअप के साथ उतरती है। रवि बिश्नोई को उन्हें खिलाना ही चाहिए क्योंकि वह एक विकेट टेकिंग बॉलर। आईपीएल का आज का मैच चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच में खेला जाएगा, जहां एक तरफ एक्सपीरियंस वाले कैप्टन MS धोनी हैं तो वहीं दूसरी तरफ यंग कैप्टन संजू सैमसन है और दोनों ही टीम अपना पिछला मैच जीत के यहाँ पे आ रही है। पिछले मैच में यहाँ राजस्थान रॉयल्स के फिनिशर के तौर पर क्रिस मॉरिस से मिल गए, जिन्होंने ये बता दिया कि वो मैच जिता सकते हैं, उनके पास छक्के चौके मारने की एबिलिटी है। और अभी तक जॉस बटलर का बल्ला तो खामोश ही रहा। वो एक ऐसे प्लेयर है जो अपने दम पर मैच जिता सकते हैं और वही राजस्थान रॉयल्स को जयदेव उनादकल जैसे बॉलर मिल गए जो पावर प्ले में विकेट निकाल के उनको दे दिया और उनकी टेंशन ख़त्म करी। वहीं पिछले मुकाबले में आप देख ही लीजिए कि चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने हर डिपार्टमेंट में शानदार परफॉर्मेंस किया है, चाहे वो बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, उन्होंने हर उसमें बता दिया क्यों वो चैंपियन टीम है। और वहीं दीपक चहर ने पावर प्ले में विकेट निकाल कर चेन्नई सुपर किंग्स की टेंशन भी थोड़ी दूर की। चेन्नई सुपर किंग्स सबसे अच्छी बात यह है कि उनके पास ऑलराउंडर बहुत अच्छे हैं जो विकेट निकाल के साथ साथ रन भी मारते हैं। उनके पास मोइन अली, सैम करन,
रविंद्र जडेजा जैसे ऑलराउंडर हैं जो रन निकालना भी जानते हैं और विकेट लेना भी जानते हैं। आज देखते हैं कौन सा कैप्टन एक दूसरे पे भारी पड़ेगा। किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में था। चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बैटिंग करते हुए 188 रन का टारगेट रखा। राजस्थान रॉयल्स ने इसके जवाब में 143 रन पे ही बना पाई और 45 रन से मैच हार गई। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आखिरी के तीन ओवर्स में ब्रेवो और सैम करंग ने जो रन बनाए थे वही उसे मैच जिता गई। चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेयर ने हर प्लेयर ने बैट से थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया और टोटल को 188 रन तक पहुंचाया। राजस्थान रॉयल्स के लिए जॉश बटलर को छोड़ के कोई भी बल्लेबाज चल नहीं पाया। जब वो खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि राजस्थान रॉयल्स की टीम बड़ी ही आसानी से टारगेट को हासिल कर लेगी। उन्होंने 35 बॉलों पे 5 चौके और 2 छक्कों की मदद से 49 रनों की पारी खेली, लेकिन जॉश बटलर के आउट होने के बाद ही राजस्थान रॉयल्स की पारी लड़खड़ा गई। राजस्थान रॉयल्स का मिडिल ऑर्डर बहुत ही कमज़ोर माना जाता है, क्या उनके मिडिल ऑर्डर में दम है मैच जिताने की? ये जवाब तो हर कोई मांगना चाहता है। संजू सैमसन वही हर चीज़ हर सीज़न में दोहराते हैं। पहला मैच अच्छा परफॉर्म करते हैं, उसके बाद 4 मैच वो वही ख़राब शॉट मार के आउट हो जाते हैं। ऐसा कैप्टन संजू सैमसन ने अपनी टीम को बीच में ही छोड़ दिया है और उनका मिडिल ऑर्डर बहुत ही ख़राब है। क्या शिवम दुबे, रियान पराग मैच जिता सकते हैं? क्या उनमें मैच जिताने की काबिलियत है? ये तो कल के मैच में देख ही लिया, हर कोई प्लेयर आ रहा था, लूज शॉट मारता था, आउट हो जाता था। अब देखते हैं क्या होता है आगे के मैचेस में। रही बात चेन्नई सुपर किंग्स की है, उन्होंने हर डिपार्टमेंट में अच्छा काम किया है, खासकर फील्डिंग जो जडेजा ने शानदार तरीके से संभाल रखा है। कल जडेजा मैदान के हर एक कोने में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने 4 कैचेस भी लिए और 2 महत्वपूर्ण सफलताएं भी हासिल की, जिसमें से एक जॉश बटलर का विकेट था जो जडेजा की शानदार बॉल पे बोल्ड हो गए और उसके बाद ही मैच पूरा पलट गया। चेन्नई सुपर किंग्स ने अब पूरी अपनी लय पकड़ ली है जिसके लिए वो मशहूर हुआ करते थे। अब आगे के मैचेस में देखते हैं वो यह लय हासिल कर रख पाते हैं कि नहीं रख पाते। क्या कटल्स ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हरा दिया? चेन्नई के मैदान में खेले गए इस मैच में मुंबई इंडियंस ने टॉस जीत कर पहले बैटिंग का फैसला किया और रोहित के 44 रन की मदद से 137 रन ही बना पाए। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 4 विकेट्स खोकर 5 बॉल रहते ही इस मैच को जीत लिया। इस तरह दिल्ली कैपिटल्स ने पिछले आईपीएल के फाइनल में हारने का अपना बदला भी पूरा किया और इस तरह आईपीएल में लगातार 5 हार के बाद मुंबई इंडियंस पर पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स पॉइंट टेबल पर दूसरे नंबर पर पहुंच गई। मुंबई इंडियंस का मिडिल ऑर्डर और डिकॉक एक बार फिर नहीं चल पाए। रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस को अच्छी शुरुआत तो दी मगर वो फिर एक बार अपने स्टार्ट को एक बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए। मुंबई इंडियंस का 67 रन पे अपना दूसरा विकेट गिरा पर एक बार फिर उसका मिडिल ऑर्डर कुछ कर नहीं पाया और वो अपने 20 ओवर में सिर्फ 137 रन ही बना पाई और 9 विकेट भी खो दिए। अमित मिश्रा ने ये बता दिया कि क्यों ओल्ड इज गोल्ड होता है। उन्होंने अपने एक ओवर में 2 विकेट लेकर दिल्ली कैपिटल्स को मैच में ले आए। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या आए लेकिन हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर निराश किया और एक लूज शॉट खेलकर 0 पे ही आउट हो गए। किरण पोलार्ड और कुणाल पांड्या भी कुछ कर नहीं पाए और जल्दी जल्दी अपना विकेट गंवा दिया और एक बार फिर सारा प्रेशर मुंबई इंडियंस के बॉलर्स पे आ गया था जो लो टोटल डिफेंड करने का। मुंबई इंडियंस इस बार चैंपियन टीम की तरह नहीं खेल रही है। अगर उसे टॉप 4 में जगह बनानी है तो बॉलर्स के साथ साथ बैट्समैन का चलना भी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली मिडल ऑर्डर बैट्समैन का। उनके बैट्समैन को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलने ही पड़ेगा, स्पेशली हार्दिक पांड्या को, क्योंकि वो एज अ ऑलराउंडर के तौर पर टीम में नहीं खेल रहे, वो एज अ बैट्समैन के तौर पर टीम में खेल रहे हैं। छोटे टारगेट का पीछा करते वक्त दिल्ली कैपिटल की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही और पृथ्वी शॉ सिर्फ 7 रन बनाकर ही आउट हो गए। उस टाइम दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर सिर्फ 11 रन ही था। फिर स्मिथ और धवन ने संभल के खेलना शुरू किया। दोनों ने 48 गेंदों पे 53 रन जोड़े और टीम को अच्छे पोजीशन तक ले गए। स्मिथ ने लो स्कोरिंग गेम में 29 बॉलों पे 33 रन की इंपॉर्टेंट पारी खेली। ऐसे पिच के लिए स्मिथ जैसे ही बल्लेबाज चाहिए थे जो कि पेशेंस के साथ बल्लेबाजी कर सकें। एक बार फिर दिल्ली कैपिटल्स की जीत में धवन का योगदान रहा। उन्होंने 42 गेंदों में 45 रन की पारी खेली लेकिन मैच के असली हीरो रहे ओल्ड इज गोल्ड अमित मिश्रा ने। उन्होंने ये बता दिया कि T20 में एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। उनकी स्पिन का जादू इस कदर चला कि उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ
24 रन ही दिए और 4 महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल की, स्पेशली रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या का विकेट जो उन्होंने एक ही ओवर में निकाला। हमारे साथ बने रहिए और देखते हैं आगे के मैचेस में क्या होता है। क्या कैपिटल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस का है और दोनों ही बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस को आसानी से जीत नहीं मिल सकती। ये वही दोनों टीमें हैं जो पिछले आईपीएल के फाइनल में थी, जहां पे मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हरा के चैंपियन बनी थी। अब देखते हैं क्या आज दिल्ली कैपिटल्स अपना फाइनल का बदला ले पाएगी या फिर मुंबई इंडियंस एक बार फिर जीत की हैट्रिक बनाएगी। मुंबई इंडियंस के कैप्टन रोहित शर्मा को लगातार 3 मैच में एक स्टार्ट मिला, लेकिन वो अपने स्टार्ट को एक बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए। वैसे ही है डीकॉक को भी लगातार 2 मैच में स्टार्ट मिला, लेकिन वो अपने स्टार्ट को बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए। अब देखते हैं आज के मैच में मुंबई इंडियंस की ओपनिंग जोड़ी क्या कमाल करके दिखाती है। अगर मुंबई इंडियंस को एक बड़ा स्कोर बनाना है तो दोनों का चलना ही बहुत ज़रूरी है। मुंबई इंडियंस के पास सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन और हार्दिक पांड्या जैसे ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं, लेकिन वो अभी तक किसी मैच में नहीं चल पाए हैं। अब देखते हैं वो आज के मैच में चलते हैं कि नहीं। अभी तक मुंबई इंडियंस के लिए उनके बॉलर्स ने ही मैच जिता के दिया है। मुंबई इंडियंस के बॉलर राहुल चहर, जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट ने लगातार 2 मैचेस में लो स्कोरिंग टोटल को डिफेंड करके दिखा दिया है। आज के मैच में देखते हैं क्या उनके बल्लेबाज चल पाते हैं, क्योंकि आज मुंबई इंडियंस को एक बड़ा स्कोर बनाना ही पड़ेगा। लीग कैपिटल्स परेशानी की बात है कि उनका मिडिल ऑर्डर नहीं चल पाया है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के दोनों ही मैचों में उनके ओपनर्स ने उन्हें मैच जिता के दिया है, स्पेशली शिखर धवन का जो फॉर्म है उसे बहुत ही तोड़ा नहीं जा सकता उस फॉर्म को, ऐसा तगड़े फॉर्म में शिखर धवन है। और उनके पास मार्कस स्टोनिक्स हैं जो एंड में मैच पलट सकते हैं, और क्रिस वोक्स जो अपने बॉलिंग और थोड़ा बहुत बैटिंग का भी कमाल दिखा सकते हैं। दिल्ली कैपिटल्स के लिए बड़ी बात यह है कि उनके रबाडा अभी फॉर्म में नहीं है, रबाडा के फॉर्म का आने का वेट कर रहे हैं। अगर देखते हैं आज के मैच में रबाडा दिल्ली कैपिटल्स के लिए पावर प्ले में विकेट्स निकाल के दे सकते हैं कि नहीं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्लेयर, जो लाया है आप सभी के लिए क्रिकेट से जुड़ी हर एक जरूरी और इम्पोर्टेंट खबर। आज का दूसरा मैच चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में खेला जाएगा, जहां CSK अपना पिछले 2 मैच जीतकर अपने पुराने फॉर्म में आ गई है, वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स अभी भी फॉर्म का इंतज़ार कर रही है। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए जहां फैफ डुप्लेसी एक शानदार शुरुआत दे देते हैं, तो वहीं मिडिल ऑर्डर में सुरेश रैना और अंबती रायडू इनिंग को संभाल लेते हैं। अब देखते हैं, उनको मोइन अली के रूप में एक अच्छा ऑलराउंडर भी मिल गया है, जो रन तीसरे नंबर पर आके रन बना देते हैं और बॉलिंग में कुछ विकेट भी निकाल के दे देते हैं। बाकी उनके स्पिनर तो शानदार फॉर्म में चल ही रहे हैं, और पावर प्ले में दीपक चहर उनको विकेट निकाल के दे ही देते हैं। अब देखते हैं CSK अपना फॉर्म जारी रख पाती है कि नहीं। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, ना तो उनके ओपनिंग बैट्समैन कुछ कर पा रहे हैं। उनके ओपनिंग बैट्समैन को तो स्टार्ट भी मिल जाता है अच्छा, लेकिन वो अपने स्टार्ट को एक बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे परेशान करने वाली बात कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए उनका मिडिल ऑर्डर है। कैप्टन इयान मॉर्गन, दिनेश कार्तिक और आंद्रे रसल की खराब फॉर्म ने कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए बहुत परेशानी बना रखी है, और ना ही उनके बॉलर कुछ कर पा रहे हैं। मॉर्गन का तो फॉर्म तो खराब चल ही रहा है, लेकिन उनके कैप्टनशिप पे भी बहुत सारे सवाल खड़े हो पा रहे हैं। अब देखते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स अपने कौन सी प्लेइंग 11 के साथ आज उतरेगी, क्या वो कितने चेंजेस करेगी, क्या रसल फिर खेल पाएंगे कि नहीं खेल पाएंगे। किंग्स ने पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 121 रन का टारगेट ही रखा, जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने एक विकेट खोकर ही 18 पॉइंट ओवर्स में मैच जीत लिया और इस IPL में अपनी पहली जीत दर्ज की। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने फाइनली केन विलियमसन को खिलाया और मैच जीत कर ले गए। मैं तो पहले ही मैच के बाद ही बोला था कि सनराइजर्स हैदराबाद को केन विलियमसन को खिलाना ही पड़ेगा अगर उनको मैच जीतना है तो, लेकिन उसके लिए सनराइजर्स हैदराबाद को मनीष पांडे को ड्रॉप करना पड़ा। ये सनराइजर्स हैदराबाद के लिए आसान डिसीजन नहीं था, क्योंकि लगातार सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेल रहे थे मनीष पांडे, लेकिन इस IPL में उनका स्ट्राइक रेट काफ़ी लो था, इसीलिए सनराइजर्स हैदराबाद को उनको ड्रॉप करना ही पड़ा। वहीं टारगेट का पीछा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की अच्छी शुरुआत हुई और चेन्नई जैसे स्लो विकेट पे उन्होंने 10 ओवरों में 73 रन जोड़े, और इस बार जॉनी बेयरस्टो मैच को फिनिश करके ही वापस आए। उन्होंने 56 बॉलों पे
63 रनों की पारी खेली। वहीं वार्नर ने भी 36 रन की अच्छी पारी खेली और अंत में विलियमसन और जॉनी बेल्ट्रॉन ने मैच फिनिश कर दिया। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद के बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्म किया। खली अहमद ने मैच विनिंग परफॉर्म करते हुए अपने 4 ओवरों में 21 रन जोड़े और 3 महत्वपूर्ण सफलताएं भी। भुवनेश्वर कुमार सनराइजर्स हैदराबाद के लिए टेंशन की बात होगी। अब देखते हैं आगे के मैचों में भुवनेश्वर कुमार फिट है कि नहीं, वो आगे के मैच खेल पाते हैं कि नहीं, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। वहीं अगर बात हम पंजाब किंग्स की टीम के कर लें तो पता नहीं पंजाब की टीम रवि बिश्नोई को क्यों नहीं अपनी प्लेइंग 11 में जगह दे रहे हैं, क्योंकि चेन्नई जैसे स्पिनिंग ट्रैक में उन्हें रवि बिश्नोई को खिलाना ही चाहिए था। अब देखते हैं पंजाब आगे के मैच में रवि बिश्नोई का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं। पंजाब की टीम बैटिंग करने आई और एक के बाद एक प्लेयर आते गए और आउट होते गए और पूरे अपने वो 20 ओवर भी नहीं खेल पाए। पूरी टीम 19.4 ओवर में ही ऑल आउट हो गई। पंजाब के साथ यह हमेशा एक बड़ी समस्या बनी रहती है कि उनके पास ऐसे बैट्समैन हैं कि जो चल गए वो 200 के पार स्कोर पहुंचा देते, नहीं चले तो कल के मैच में आपने उनकी हालत देख ही ली, क्या 20 ओवर भी नहीं खेल पाए। पंजाब की टीम को अगले मैच में अगर जीतना है तो उन्हें अपने वर्ल्ड के T20 के नंबर 1 बैट्समैन डेविड मनान को निकोलस पूरन की जगह खिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि निकोलस पूरन से रन नहीं निकल रहे और कुछ उनकी किस्मत भी नहीं चल पा रही। कल के मैच में वो बिना बॉल खेले ही 0 पे आउट हो गए। अब पंजाब को अगर अपने आगे के मैच में जीत हासिल करनी है तो डेविड मलान को खिलाना ही पड़ेगा और अपने प्लेइंग 11 में बड़े बड़े चेंजेस करने ही पड़ेंगे। वहीं कल का दूसरा मैच चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच हुआ। चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बैटिंग करते हुए 221 रन का मुश्किल टारगेट दिया, जवाब में केकेआर की टीम 202 रन पर ही ऑल आउट हो गई और 18 रन से मैच हार गई। कल के इस जीत के बाद चेन्नई सुपर किंग्स पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंच गई। कल के इस मैच में टोटल 422 रन लगे जिसमें से 26 छक्के थे। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खुशी की बात यह रही कि उनके टॉप बैट्समैन, टॉप ऑर्डर के बैट्समैन और ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ उनके फिर से फॉर्म में आ गए। कल के मैच में उनकी टाइमिंग देखने लायक थी, उन्होंने पैट कमिंस को जो छक्का लगाया वो मैच का सबसे बेहतरीन शॉट था उनका। लगातार 3 मैच में फ्लॉप होने के बाद भी धोनी ने उन मौका दिया और ये बात धोनी में हमेशा ही रहती है, वो अपने प्लेयर्स को बैक करना जानते हैं और परफॉर्मेंस भी वो दिलाना जानते हैं कैसे परफॉर्म किया जा सकता है। ऋतुराज ने 42 बॉलों में 64 रन बनाए जिसमें 4 छक्के भी शामिल हैं। चेन्नई सुपर किंग के लिए इस IPL में सबसे अच्छी शुरुआत हुई। उनके ओपनर्स ने 115 रन जोड़े अपने 12 ओवरों में। फैफ डुप्लेसी ने एक मैच विनिंग पारी खेली, उन्होंने 60 बॉलों पर 95 रन की पारी खेली जिसमें 4 छक्के शामिल थे। 20 ओवर के 5वीं बॉल में सिंगल ले सकते थे, वो अपनी सेंचुरी पूरी भी हो जाती लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर उसके बाद मोइन अली आए, उन्होंने छोटी लेकिन दमदार पारी खेली, उन्होंने 12 बॉलों पे 208 रन के स्ट्राइक 208 के स्ट्राइक रेट से 25 रन की पारी खेली। और आज धोनी भी जल्दी आके फैंस को खुश कर दिया, उन्होंने 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए, उन्होंने 8 बॉलों पे 17 रन की एक छोटी पारी खेली। KKR के बॉलों को बहुत रन पड़े, कमिंस के 4 ओवर में 58 रन ठोक डाले। वहीं CSK की तरफ से दीपक चहर ने 4 ओवरों में सिर्फ 29 रन दे के 4 विकेट लिए और वो भी जहां पूरे मैच में इतने रन बने हो। उन्होंने अपनी शानदार बॉलिंग का शो दिखाया, पावर प्ले में विकेट चटका के उन्होंने 4 विकेट लेके KKR की कमर ही तोड़ दी। वहीं टारगेट का पीछा करने उतरी KKR की टीम की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई और उनके 5 विकेट सिर्फ 31 के स्कोर पर ही गिर गए। फिर उसके बाद आए आंद्रे रसल, क्या खेले यार वो आज, ऐसा भी कोई खेलता है, ऐसे भी कोई हिट करता है। उन्होंने बता दिया कि क्यों वो वर्ल्ड के आज भी बेस्ट हिटर में से एक हैं। 24 बॉलों पे उन्होंने 54 रन की पारी खेली जिसमें से 6 बहुत ही लंबे छक्के शामिल हैं। वो सैम करन की एक बॉल को लीव करते हुए बोल्ड हो गए, मैंने तो पहली बार देखा कि रसल T20 में बॉल को लीव करते हुए आउट हुए हो। दिनेश कार्तिक ने भी उनका अच्छा साथ दिया, उन्होंने छोटी मगर लेकिन अच्छी दमदार पारी खेली, उन्होंने 24 बॉलों पर 40 रन बनाए। आंद्रे रसल और दिनेश कार्तिक के आउट होने के बाद मैच का रोमांच तो अभी बचा ही हुआ था। फिर उसके बाद आए पैट कमिंस की वो पारी जो मैच को लास्ट ओवर तक ले गई। अगर KKR के पास एक विकेट और होता तो क्या पता वो मैच जिता भी देते। क्या पारी खेली यार उन्होंने आज, मज़ा आ गया बीच में हुआ, लेकिन खेली एक ही टीम रॉयल्स की तरह है, वो है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला लिया। जवाब में बैटिंग करने उतरी राजस्थान की टीम की शुरुआत बिल्कुल ही खराब रही और एक बार फिर उनकी बैटिंग लाइनअप और बल्लेबाज ने निराश किया और 43 रन पे ही टीम ने अपने 4 टॉप बैट्समैन खो दिए।
जॉस बटलर से टीम को अच्छी शुरुआत करने की उम्मीद थी, लेकिन वह भी पूरी नहीं हो सकी और वह सिर्फ 8 रन बनाकर ही आउट हो गए। और एक बार फिर कैप्टन संजू सैमसन का पहले मैच को छोड़कर खराब फॉर्म जारी रहा और वह फिर एक लूज शॉट खेलकर आउट हो गए। लगातार इस आईपीएल में संजू सैमसन का ग्राफ नीचे गिरता ही जा रहा है। राजस्थान रॉयल्स की टीम को शिवम दुबे और राहुल तेवतिया ने की मदद से 4 विकेट जल्दी खोने के बाद भी 177 के स्कोर तक पहुंचा दिया। शिवम दुबे ने 32 बॉलों पर 46 रन की पारी खेली, वहीं राहुल तेवतिया ने 23 बॉलों पर 40 रनों का योगदान दिया। राजस्थान रॉयल्स की टीम करे तो क्या करे, उनके पास अपनी बैटिंग लाइनअप को स्ट्रॉन्ग करने का भी कोई ऑप्शन नहीं है। लिविंगस्टोन, बेन स्टोक्स इंग्लैंड जा चुके हैं वापस। अगर उनको मैच जीतना है तो जॉस बटलर या संजू सैमसन में से किसी एक का चलना तो बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं आगे के मैच में राजस्थान रॉयल्स की टीम क्या करती है, उनकी तैयारी क्या रहेगी। वहीं टारगेट का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम के लिए यह स्कोर ज़्यादा मुश्किल साबित नहीं हुआ। अपने सारे मैच जीत कर आई रॉयल चैलेंजर की टीम का कॉन्फिडेंस लेवल वैसे ही हाई है, तो इसलिए उन्होंने ये टारगेट बड़े ही आसानी से प्राप्त कर लिया। उन्होंने 16.3 ओवर में ही हासिल कर लिया ये टारगेट और सबसे बड़ी जीत के साथ ही एक बार फिर टॉप पॉइंट टेबल पर टॉप पर पहुंच गई। देवधर पाटिकल और कैप्टन विराट कोहली की पार्टनरशिप ने 181 रन जोड़े। पाटिकल ने अपनी आईपीएल की पहली सेंचुरी बनाई। उन्होंने क्या शॉट खेला, उन्होंने आज की पारी में कोहली को भी पीछे छोड़ दिया, जो कभी ऐसा देखने को मिलता नहीं। उन्होंने 52 बॉलों पे 101 रन की बेहतरीन पारी खेली, जिसमें 6 छक्के शामिल थे। वहीं कोहली ने भी उनका पूरा साथ दिया और 47 बॉलों पे 72 रन बनाए और मैच फिनिश कर दिया और आईपीएल हिस्ट्री में 6000 रन पूरे करने वाले पहले प्लेयर भी बन गए। तो विराट कोहली ने ये साबित कर दिया क्यों उन्हें चेज मास्टर कहते हैं। इस बार रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम एक चैंपियन टीम की तरह खेल रही है। इस बार उनके की एक बैलेंस टीम लग रही है और बॉलर्स का भी उनका पूरा साथ मिल रहा है। आज मोहम्मद सिराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने 4 ओवरों में से 27 रन देकर 3 महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल की। उन्होंने राजस्थान रॉयल्स की टॉप ऑर्डर की कमर ही तोड़ दी। अगर ऐसे ही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम खेलती रही तो उन्हें रोकना बहुत ही मुश्किल होगा। पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा, जहां मुंबई इंडियंस अभी तक के अपने जीते हुए दोनों मैच अपने बॉलर्स के दम पे जीती है। अभी तक उनके बैट्समैन कुछ कर नहीं पाए हैं। फैंस आज रोहित शर्मा से एक बड़े स्कोर का वेट कर रहे होंगे। उन्हें स्टार्ट तो मिल जाता है, लेकिन वो अपना स्टार्ट को एक बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाते। वहीं क्विंटन डिककॉक के लिए भी आज का मैच प्रेशर वाला मैच होगा। उन्हें क्रिस लिंग की जगह लिया गया है। क्रिस लिंग ने, जिन्होंने पहले मैच में हाफ सेंचुरी जड़के अच्छा स्कोर खड़ा किया था, आज एक अच्छी पारी खेली थी। डिककॉक अपने तीनों इनिंग मिला के भी क्रिस लिंग जितना स्कोर नहीं बना पाई। मुंबई इंडियंस के लिए कॉम्बिनेशन बनाना बहुत ही ज़रूरी है। सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या को एक बड़ा स्कोर बनाना ही पड़ेगा, तभी मुंबई इंडियंस के लिए मैच सही रहेगा, क्योंकि उनका बॉलिंग डिपार्टमेंट उन्हें लो स्कोर डिफेंड करके दे देता है। अब देखते हैं आज के मैच में रोहित का बल्ला कितने रन निकालता है। बात हम पंजाब किंग्स की करें तो वो अगला मैच जीत के आईपीएल की शुरुआत तो अच्छी की, लेकिन फिर लगातार 3 मैच हार के उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही लो हो गया है। पंजाब किंग्स की टीम के साथ ऐसा है कि जब उनके बल्लेबाज बड़े स्कोर खड़े करते हैं तो वे उनके बॉलर डिफेंड नहीं कर पाते, और पिछले मैच में तो उनके बल्लेबाज सिर्फ 120 रन ही बना पाए हैं। उन्हें निकोलस स्कोर की जगह डेविड मनान को खिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि निकोलस स्कोर बहुत ही खराब फॉर्म में से गुजर रहे हैं, उनसे रन भी नहीं निकल रहे हैं। पंजाब किंग्स की टीम को आज रवि बिश्नोई को खिलाना ही पड़ेगा, यूज़ करना ही पड़ेगा ऐसी बीचों में। आज का मैच देखते हैं पंजाब किंग्स कॉम्बिनेशन का। राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में है। दोनों ही टीम अपने 4 मैचेस में 3 हार के साथ आ रही है। वहीं केकेआर की टीम पिछला मैच ज़रूर हार गई है, लेकिन टीम के परफॉर्मेंस ने उनका कॉन्फिडेंस ज़रूर थोड़ा बढ़ गया होगा। आंद्रे रसल और दिनेश कार्तिक का फॉर्म में आना कुछ राहत की बात ज़रूर है केकेआर के लिए, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी की बात केकेआर के लिए उनका टॉप ऑर्डर और मिडल ऑर्डर का ना चलना है। यॉन मॉर्गन और शुभमन गिल का बल्ला अभी तक शांत रहा है, उनके बल्ले से अभी तक कोई रन नहीं निकल पा रहे हैं, यही उनके लिए सरदर्दी का कारण बनी हुई है। वहीं राहुल त्रिपाठी और नीतीश राणा ने पहले 2 मैच को छोड़ते तो अभी तक फ्लॉप रहे हैं, लेकिन पैट कमिंस ने यह बता दिया कि उनमें इतना इन्वेस्टमेंट करना सही है और वो बैटिंग के साथ भी कॉन्ट्रीब्यूट करना जानते हैं। अब देखते हैं आज के मैच में केकेआर की टीम क्या बदलाव के साथ उतरती है। वहीं राजस्थान रॉयल्स की हम क्या ही बात करें, उनके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचे हैं अपनी बैटिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए। वही रिपीट उनको बैटिंग लाइनअप खिलाना ही पड़ेगा, उनकी यही मजबूरी हो गई है अब तो।
अगर राजस्थान रॉयल्स को एक बड़ा स्कोर बनाना है तो जॉस बटलर का चलना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बटलर उनके की प्लेयर हैं और संजू सैमसन के पहले के मैच में तो उन्होंने धमाकेदार शुरुआत की थी आईपीएल की, लेकिन उसके बाद उनका लगातार ग्राफ गिरता चला गया और हर मैच में वो एक लूज शॉट खेलते आउट हुए और इससे उन राजस्थान रॉयल्स की मुश्किलें भी बढ़ गई है। आज लगता है मनन बोरा की जगह उन्हें यशस्वी जायसवाल को खिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि लगातार चार मैचेस में वो बिल्कुल फ्लॉप ही रहे। देखते हैं आज के मैच में राजस्थान रॉयल्स किस कॉम्बिनेशन के साथ उतरती है। आज का मैच जीतना दोनों ही टीम के लिए ही वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच में खेला गया था। पहले बैटिंग करते हुए केकेआर की टीम ने 20 ओवर में सिर्फ 133 रन ही बना पाई। जवाब में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 18.5 ओवर में 4 विकेट खोकर इस टारगेट को बड़ी आसानी से हासिल कर लिया। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है। उनके बल्लेबाज फिर इस बार बहुत कोशिश की इन बल्लेबाजों ने रन बनाने की, लेकिन उनसे रन नहीं लग पाए। पावर प्ले में उन्होंने सिर्फ 25 रन ही बना पाए, तो कैसे ही वो मैच जीत पाएगी। एक बार फिर शुभमन गिल और नितिश राणा के फ्लॉप रहे और यॉन मॉर्गन जैसे बड़े प्लेयर अगर रन आउट हो जाएं, वो भी 0 रन पे और वो भी 0 एक भी बॉल खेले बिना, तो कैसे ही टीम जीत सकती है। पता नहीं केकेआर की टीम के प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर कौन बनाता है, कौन उनके बैटिंग ऑर्डर और प्लेइंग 11 में बदलाव करता है। सुनील नारायण को अगर खिलाना है तो उनसे ओपन कराएं, वो नंबर 4 के बल्लेबाज नहीं कर सकते। और जब 10वें ओवर में विकेट गिरा तो आंद्रे रसल को भेजना चाहिए था, क्योंकि पता है पिछले मैच में आंद्रे रसल ने जल्दी आकर कितने अच्छा बल्लेबाजी की थी और स्कोर बनाया था। वो पता नहीं आंद्रे रसल को एंड में बचा के क्या करते हैं, जब वो ऊपर आते हैं तो फिर वो अच्छा परफॉर्म करने के पास बहुत टाइम मिलता है। वहीं सुनील नारायण, अगर केकेआर को जीतना है तो सुनील नारायण को विकेट लेना ही बहुत ज़रूरी है। मानता हूँ कि वो रन कम देते हैं, लेकिन उनका विकेट लेना तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है, तभी केकेआर टीम जीत सकती है। और बात करें हम पैट कमिंस की, तो वो भी अभी विकेट निकाल के नहीं दे पा रहे हैं। अब आगे के मैचेस में अगर केकेआर के लिए बहुत ही बड़े होंगे, अगर अब उनको जीतना है तो उनके प्लेइंग 11 में बदलाव करने पड़ेंगे, उनका टॉप ऑर्डर कल चलना तो बहुत ही ज़रूरी है। वहीं बात अगर हम राजस्थान रॉयल्स की करें तो स्टार्टिंग में विकेट उसने भी गंवाई और वहीं जॉस बटलर के बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं, जो कि राजस्थान रॉयल्स के लिए बहुत ही चिंता की बात है। संजू सैमसन की कल की बल्लेबाजी शानदार रही, ऐसे पिच में ऐसी कंडीशन में उन्होंने जो अपने खेल में चेंज किया वो देख के अच्छा लगा। उन्होंने पारी तो अच्छी खेली मगर वो एंड तक नॉट आउट रह गए और अपनी टीम को जीत भी दिलाया। और यंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने भी कुछ अच्छे शॉट्स खेले। और वहीं बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो क्रिस मॉरिस ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, उन्होंने 4 महत्वपूर्ण सफलताएं राजस्थान रॉयल्स की टीम को दिलाई। राजस्थान रॉयल्स अपने दोनों मैच जो जीते हैं उसमें क्रिस मॉरिस ने अपना योगदान दिया है। एक मैच में उन्होंने बैटिंग के साथ टीम को जिताया, दूसरे और कल के मैच में उन्होंने बॉलिंग से जितवाया है। अब देखते हैं अगर राजस्थान को अगले मैच जीतना है तो इनका अपना फॉर्म ऐसे ही मेंटेन रखना पड़ेगा, तभी वो आगे के मैचेस जीत सकती है, मुकाबले खेले जाएंगे। और दो ऐसी टीम के बीच होंगे जो पॉइंट्स टेबल में टॉप 2 है, एक तरफ है CSK धोनी की टीम और एक तरफ है विराट की टोली रॉयल चैलेंजर बैंगलोर। क्या रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की जीत का सफर धोनी की टीम खत्म कर पाएगी? इस IPL में RCB की टीम टॉप फॉर्म में चल रही है, क्योंकि इस बार उनके गेंदबाज भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हर्षल पटेल तो विकेट लेके निकाल के दे ही रहे हैं, साथ ही साथ मोहम्मद सिराज भी शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, वो भी एक अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं और पावर प्ले में विकेट निकाल के RCB को दे रहे हैं। वहीं RCB के बल्लेबाज तो शानदार फॉर्म में चल ही रहे हैं और पिछले मैच में दीपक पाटीकर भी फॉर्म में वापस आ गए हैं। देखते हैं आज के मैच में जारी रख पाते हैं कि नहीं, और कोहली एक अच्छा स्टार्ट दे देते हैं, उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल और एबी डिविलियर्स फिनिश कर देते हैं। इस बार देखते हैं क्या आज कोहली अपना शतक बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। और RCB की टीम इस बार तो फुल बैलेंस है, बॉलिंग डिपार्टमेंट, फील्डिंग और बैट्समैन भी फॉर्म में, मैक्सवेल के आने के बाद उनका मिडल ऑर्डर भी स्ट्रॉन्ग हो गया है। अब देखते हैं आज के मैच में CSK के खिलाफ कैसे परफॉर्म करेगी। वहीं दूसरी तरफ है चेन्नई सुपर किंग्स, जो अपना पिछला IPL का सीजन भूल के इस IPL की शानदार शुरुआत की है। धोनी भले ही बल्ले से अपना कमाल नहीं दिखा पाए, लेकिन उन्होंने कप्तानी अपनी लाजवाब की है और मोइन अली के आने से उनकी टीम और बैलेंस हो गई है, जो तीसरे नंबर पे आके रन भी बना देते हैं और एक धोनी को एक बॉलिंग ऑप्शन भी मिल जाता है। CSK के पास बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही ऑप्शन बहुत हैं, जो कि उसे एक अच्छी टीम बनाती है। जहां पिछले मैच में ऋतुराज गायकवाड़ का फॉर्म में आना पाप डुप्लेसी के ऊपर से प्रेशर हटाएगा और उसके बाद फिर पारी में सुरेश रैना, अंबती राडू जो पारी को संभाल लेते हैं और उनके तौर पर जडेजा के तौर पर एक अच्छा फील्डर और बॉलर भी है, जो जरूरत पड़ने पर बैट से भी रन बनाना जानता है
और नीचे यही आप देख सकते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स में इतनी पावर है कि उनके सैम करनेट नीचे आते हैं और उन्हें भी बैट से रन और बॉलिंग करनी दोनों में काबिलियत है उन्हें। अब देखते हैं आज के मैच में आरसीबी के खिलाफ किस कॉम्बिनेशन बॉल चल रहे बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में। चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बैटिंग करते हुए 4 विकेट खोकर 191 रन बनाए, वहीं बॉल चल रही थी बैंगलोर की टीम अपने 20 ओवर में सिर्फ 122 रन ही बना सकी और मैच 70 रनों से हार गई। टी20 के लिए ये एक बड़ी ही ज्यादा मार्जिन में हार है। पहले बैटिंग करने आई सीएसके की और 5WC ने इस IPL में अपनी एक और हाफ सेंचुरी के लिए उन्होंने 41 बॉलों पे 50 रन बनाए। शुरुआत अच्छी होने के बाद बारी थोड़ी स्लो होने लग गई थी, लेकिन उसके बाद बारी आए सर रविंद्र जडेजा और क्या पारी खेली उन्होंने। मेरे ख्याल से इस IPL हिस्ट्री में सबसे बढ़िया पारी में से एक थी। उन्होंने पारी की फ्रीक्वेंसी अपने गेम के 20वें ओवर में इस IPL के पर्पल कैप होल्डर हर्षद पटेल के एक ओवर में 5 छक्कों के साथ 37 रन जोड़े। उन्होंने सीएसके के मैच विनिंग टोटल तक पहुंचा दिया। जडेजा ने 28 बॉलों में 62 रन की शानदार पारी खेली जिसमें 5 छक्के शामिल थे और ऐसा भी कह सकते हैं कि आज जडेजा ने अकेले ही आरसीबी को हरा दिया। धोनी की कैप्टनशिप ओवर फिर चली और उन्होंने इस स्लो पिच पे समझ गए कि उनको कैसे बॉलर को एक साथ उतरना है, इसलिए उन्होंने अपने पास स्लोअर बॉलर का ऑप्शन ज़्यादा रखा और फास्ट बॉलर को उन्होंने ड्रॉप कर दिया। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम बैटिंग करने आई, उनकी शुरुआत अच्छी नहीं रही और विराट कोहली जल्दी आउट हो गए। देवदत्त पाटीकल ने कुछ अच्छे शॉट जरूर खेले लेकिन वो भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए। फिर एक बार फिर बॉलिंग में रविंद्र जडेजा का तूफान आया और उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 13 रन देकर 3 महत्वपूर्ण सफलताएं भी प्राप्त की जिसमें एक मैक्सवेल और AB डिविलियर्स का भी विकेट शामिल है और उन्होंने एक रन आउट भी किया। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि पिछले मैच में उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की हो। बहुत से सवालों का जवाब खोजने पड़ेंगे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, क्योंकि बैटिंग लाइनअप थोड़ी बहुत कमज़ोर हो गई है, वो सिर्फ अपने टॉप 4 बैट्समैन पर ही डिपेंड हो गए हैं। अब देखते हैं आगे के मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया था, जो इस IPL का पहला सुपर ओवर के लिए गया। पहले बैटिंग करने आए दिल्ली कैपिटल्स की टीम की शुरुआत तो अच्छी हुई लेकिन वो अपनी इस शुरुआत को बड़े टोटल में तब्दील नहीं कर पाए। पृथ्वी शॉ ने इस स्लो पिच में भी बहुत अच्छी बैटिंग की, उन्होंने 39 बॉलों पर 53 रन बनाए लेकिन इतनी अच्छी शुरुआत होने के बाद भी वो अपनी पारी को एंड तक अच्छे नहीं पहुंचा पाए। एक फाइटिंग टोटल तक तो पहुंचाया लेकिन वो उस टोटल तक नहीं पहुंचा पाए जिसकी शुरुआत अच्छी हुई थी। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम बैटिंग करने आई और उनकी शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। डेविड वार्नर जल्दी ही आउट हो गए लेकिन जॉनी बेयरस्टो ने अपने 38 रन की पारी में 4 छक्के मारे। थोड़ा उनके और संभल के खेलना चाहिए था क्योंकि उन्होंने एक आवेश खान के ओवर में एक छक्का मारा ही था लेकिन फिर अगली बॉल पर वो लूज शॉट खेल के आउट हो गए। एक बार फिर केन विलियमसन ने एक स्लो पिच में एक अच्छी पारी खेली और उन्होंने बता दिया कि वो टॉप क्लास बैट्समैन है, बस उनको सनराइजर हैदराबाद के किसी भी बैट्समैन का साथ चाहिए था जो उनको साथ बिल्कुल नहीं मिला। उनको एक साथ की ज़रूरत थी क्योंकि सनराइजर मिडल ऑर्डर ने फिर निराश किया और कोई भी बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे पाए। एंड में सनराइजर हैदराबाद के लिए जगदीशा सुजीत आए और उन्होंने केन विलियमसन के साथ मिलकर मैच को टाई तक पहुँचा दिया और हमें देखने को मिला इस IPL का पहला सुपर ओवर। अगर टॉप 3 को छोड़ दे तो SRH के पास कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं है जो मैच जिता सके। अगर ऐसे ही टीम खिलानी है तो हम तो नंबर 4 पे मनीष पांडे को भी सनराइजर्स हैदराबाद खिला सकते हैं क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है और वो मैच जिता भी सकते हैं। अब बात करते हैं सुपर ओवर की। यहाँ भी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने एक गलती की और जॉनी बेयरस्टो से पहले उन्होंने डेविड वार्नर को भेज दिया। अक्षर पटेल ने अच्छा ओवर डाला और सिर्फ 7 रन ही दिए। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 8 रन बना दिया और मैच जीत लिया और जो एक शॉर्ट रन लिया था वो SRH की टीम ने वो उन पर भारी पड़ गया और वरना एक और सुपर ओवर देखने को मिला। अब देखते हैं SRH की टीम के लिए रास्ते थोड़े मुश्किल हैं, अब देखते हैं आगे के मैचेस में वो क्या प्लेइंग 11 खिलाते हैं। आज का मैच पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में
नीतीश राणा के भी स्टार्टिंग के दो मैच छोड़ दें तो वो भी कुछ खास नहीं कर पाए। अगर केकेआर सुनील नारायण को खिलाते हैं तो उन्हें ऊपर खिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो मिडल ऑर्डर के बैट्समैन नहीं हैं, तो उनको ऊपर ही खिलाना ही पड़ेगा। और केकेआर को आंद्रे रसल के बैटिंग ऑर्डर के बारे में भी सोचना पड़ेगा। दिनेश कार्तिक ने छोटी छोटी पारी तो खेली है, लेकिन अगर केकेआर को बड़ा टारगेट अचीव करना है तो दिनेश कार्तिक को एक बड़ा स्कोर बनाना ही होगा। क्या लगता है आपको कि आज केकेआर की तरफ से कौन से बैट्समैन ज़्यादा रन मारे बनाएंगे या फिर कौन सा बॉलर ज़्यादा विकेट निकाल के दे पाएंगे, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वही बात हम अगर पंजाब किंग्स की करें तो उनके टॉप थ्री बैट्समैन जो अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, बस उनकी समस्या का कारण उनके मिडल ऑर्डर हैं जो लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, स्पेशली निकोलस पूरन से बिल्कुल ही रन नहीं निकल रहे हैं। क्या आज पूरन का बल्ला चलेगा? अगर पंजाब को एक बड़ा स्कोर बनाना है तो पूरन का चलना ज़रूरी है। पंजाब के लिए चीज़ हमेशा देखने को मिलती है कि जब उनके बल्लेबाज रन मार देते हैं तो उनके गेंदबाज में डिफेंड नहीं कर पाते। रवि बिश्नोई को खिलाना उनके लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ पिछले मैच में, उन्होंने बिल्कुल रन नहीं दिए और उसके साथ विकेट भी निकाल के दी, जो मिडल ऑर्डर में पंजाब को ज़रूरत है निकालना। कल का मैच पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में खेला गया, जहां पंजाब की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 123 रन ही बनाए। जवाब में केकेआर की टीम ने 16.4 ओवरों में यह मैच जीत लिया। पहले बैटिंग करने आए पंजाब किंग्स के ओपनर केएल राहुल और मयंक अग्रवाल ने बहुत ही धीमी शुरुआत की, जिससे कि बाद के बल्लेबाजों के लिए प्रेशर बन गया। राहुल ने 20 बॉलों पे 19 रन बनाए और मयंक अग्रवाल ने 34 बॉलों पे 31 रन बनाए, और जब वो लग रहे थे कि वो सेट हो गए अब रन बनाएंगे, उसी टाइम वो सब दोनों आउट हो गए, जिससे कि पंजाब की टीम पे प्रेशर आ गया। पंजाब की टीम का एक बार फिर मिडल ऑर्डर फ्लॉप रहा, गेल तो पहले ही बॉल पे आउट हो गए। आज पूरन के पास बहुत अच्छा मौका था रन बनाने का, लेकिन वो आज भी कुछ नहीं कर पाए। अब तो पंजाब की टीम को डेविड मलान को की तरफ देखना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको अपना मिडल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा अगर उन्हें आगे के मैचेस में जीतना होगा तो। हेंड्रिक्स अब रन नहीं बनाएंगे तो कब बनाएंगे? पंजाब की टीम उन्हें एज अ ऑलराउंडर के तौर पर खिलाती है और उनसे उम्मीद भी बड़ी है, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं कर पाए। वो तो जॉर्डन ने लास्ट में कुछ रन बना दिए, वरना पंजाब की टीम तो 100 का रन का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाती। अब देखते हैं आगे के मैच में पंजाब की टीम कैसे खेलती है। अगर वो ऐसे ही खेलती रही तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल बढ़ जाएगी, वो टॉप 4 में भी नहीं पहुंच पाएंगे। वहीं जवाब में केकेआर की टीम की भी शुरुआत अच्छी नहीं रही और उनके ओपनर जल्दी ही आउट हो गए। एक बार फिर नीतीश राणा और शुभमन गिल का वो फ्लॉप शो जारी रहा। अब केकेआर की टीम को कुछ सोचना ही पड़ेगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। आज मॉर्गन ने कैप्टनशिप वाली पारी खेली और एक एंड नॉट आउट रहे और टीम को जीत दिलाई। उन्होंने 40 बॉलों पे 47 रन बनाए। उनकी कैप्टनशिप भी आज बहुत अच्छी रही। बॉलर्स को कैसे रोटेट करना है, कितने ओवर देने, कब कौन से बॉलर को लगाना है, फील्डिंग सेट करना, सब उन्होंने अच्छा किया। आंद्रे रसल को मैंने सिंगल लेने के चक्कर में पहली बार रनआउट होते हुए देखा, ऐसा कभी पहले कभी नहीं हुआ था। आज स्पेशली केकेआर के बॉलर ने उन्हें जीत दिलाई। शिवम मावी ने अपने 40 ओवर में सिर्फ 13 रन ही दिया और एक इम्पॉर्टेंट विकेट क्रिस गेल की भी ली। सुनील नारायण ने 2 विकेट लिए, और मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर केकेआर को जीतना है तो सुनील नारायण का विकेट निकालना बहुत ही ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आज राहुल त्रिपाठी ने भी बहुत अच्छी बैटिंग करी। राहुल त्रिपाठी के ऐसे प्लेयर हैं, उनको कहीं किसी भी ऑर्डर में खिला लो, लेकिन वो अपना काम पूरा ही कर लेते हैं। वर्सेस रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच में दोनों ही टीम बहुत ही स्ट्रांग है और दोनों ही टीम अपने 4 मैच जीत के यहाँ पहुँच रही है। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर अपना पिछला मैच जहाँ भूलना चाहेगी, क्योंकि पिछला मैच में उनके बल्लेबाजों ने बिल्कुल ही रन नहीं बना पाए थे, लेकिन रॉयल चैलेंजर की बेंगलोर की टीम के प्लेयर्स का फॉर्म बहुत ही अच्छा चल रहा है। उनकी टीम बैलेंस भी है, फैंस भी विराट कोहली के पहले शतक का वेट कर रहे हैं, और देवदत्त पाटिकल भी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। वो ऐसे फॉर्म में चल रहे हैं कि उनकी हिटिंग भी अच्छी लग रही है, और बीच में मिडल ऑर्डर में ग्लेन मैक्सवेल और एबी डिविलियर्स तो हैं ही। और इस आईपीएल में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का बॉलिंग अटैक भी बैलेंस ही है। मोहम्मद सिराज उनके पावर प्ले में भी विकेट निकाल के दे रहे हैं। पर्पल कैप होल्डर हर्षल पटेल के लिए तो पिछला मैच तो एक बुरे सपने जैसा होगा, जिसे वो भूलना चाहेंगे, क्योंकि जडेजा ने उनके एक ओवर में 37 रन बनाए थे, जो एक रिकॉर्ड है। अब देखते हैं आज के मैच में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर दिल्ली कैपिटल्स की टीम को कैसे रोकती है।
वहीं दिल्ली कैपिटल्स की टीम भी अच्छे फॉर्म में है, लेकिन वो अपने ज्यादा डिपेंड अपने ओपनर्स पृथ्वी शॉ और शिखर धवन पे ही रहते हैं, जो कि हर मैच में उन्हें एक अच्छा स्टार्ट देती है। दिल्ली कैपिटल्स के लिए मुश्किल की बात उनका मिडल ऑर्डर का है, जो वो नहीं चलना। मैं तो स्मिथ की जगह रहाने को खिलाना चाहूंगा, जिससे कि एंड्रिक नॉर्किया को प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिले और दिल्ली कैपिटल्स का बॉलिंग अटैक और भी स्ट्रांग हो जाए। दिल्ली कैपिटल्स के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है उनके स्टार बॉलर रबाडा का फॉर्म में नहीं होना। अब देखते हैं आज के मैच में दिल्ली कैपिटल्स की टीम रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में खेला गया था। आरसीबी ने पहले बैटिंग करते हुए 171 रन बनाए, जवाब में दिल्ली कैपिटल की टीम ने 20 ओवर में 170 रन ही बना पाए और एक रन से मैच हार गई। आरसीबी की टीम के लिए कल का दिन तो एबी डिविलियर्स शो रहा। क्या खेले यार वो, कल उन्होंने ग्राउंड के हर एक कोने में शॉट्स मारे। उन्होंने 42 गेंदों में 75 रन की पारी खेली, जिसमें 5 छक्के शामिल थे। कल आरसीबी की टीम में ना ही विराट कोहली चले, ना पार्टिकल और ना ही मैक्सवेल चले, लेकिन फिर भी डिविलियर्स ने स्कोर को फाइटिंग टोटल तक पहुंचाया। उन्होंने स्टोनिक्स के एक ओवर में 23 रन बनाए, जो कि पारी का आखिरी ओवर था। एक बार फिर हर्षल पटेल ने अच्छी बॉलिंग की। उन्होंने अपने 4 ओवर में 2 महत्वपूर्ण सफलताएँ हासिल की। इस आईपीएल में उनका फॉर्म शानदार चल रहा है। बस आरसीबी के लिए चिंता की बात यह है कि चहल मिडल ओवर में उन्हें विकेट निकाल के नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन इस बार आरसीबी की टीम बैलेंस लग रही है और इस जीत के साथ ही वो पॉइंट टेबल में फिर से टॉप पर पहुंच गई। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उनके स्टार बैट्समैन शिखर धवन जल्दी ही आउट हो गए और उनके 3 विकेट सिर्फ 47 रन पर ही गिर गए थे। और वहीं अच्छे फॉर्म में चल रहे पृथ्वी शॉ भी कुछ नहीं कर पाए। दिल्ली कैपिटल्स के लिए हेटमायर ने हारी बाजी को पलट दिया था। उन्होंने 25 बॉलों पर 53 रन की शानदार पारी खेली और अंत तक नॉट आउट रहे। वहीं पंत ने भी अच्छी पारी खेली, लेकिन थोड़ी स्लो पारी खेली। लास्ट बॉल में दिल्ली कैपिटल्स को जीत के लिए 6 रन चाहिए थे, लेकिन पंत के चौका ही निकाल पाए और दिल्ली कैपिटल्स मैच 1 रन से हार गई। पंत से आज कैप्टनशिप में एक गलती हो गई और एक ओवर में मिस जज हो गया। उन्होंने स्टोनिक्स से 20वां ओवर करवाया पारी का, जो कि उनके मैच का पहला ही ओवर था। वो चाहते तो अमित मिश्रा से पहले ही ओवर निकाल सकते थे और वो लास्ट ओवर ही दिल्ली कैपिटल्स के लिए महंगा साबित हुआ। अवेश खान ने एक बार फिर अच्छी बॉलिंग की और विराट कोहली का इम्पोर्टेंट विकेट निकाल दिया। उन्होंने पिछले बार भी धोनी को भी आउट किया था। वहीं आईपीएल में वापसी कर रहे ईशांत शर्मा ने भी अच्छी बॉलिंग की। उन्होंने अपने 4 ओवर में 26 रन देकर 1 विकेट निकाला और एक मेडन ओवर भी डाला, जो ग्लेन मैक्सवेल के खिलाफ था। पर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा, जहाँ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम लगातार ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। वहीं एसआरएच की टीम का परफॉर्मेंस लगातार गिरता ही जा रहा है। सीएसके की टीम एक चैंपियन टीम की तरह खेल रही है, ऐसे में तो उनको रोक पाना बहुत ही मुश्किल है। हर डिपार्टमेंट में वो अच्छा खेल दिखा रही है और उनके स्टार ऑलराउंडर जडेजा भी टॉप फॉर्म में चल रहे हैं। फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग तीनों में रविंद्र जडेजा टॉप परफॉर्म कर रहे हैं। वहीं टॉप ऑर्डर में फाफ डुप्लेसी और ऋतुराज गायकवाड़ अच्छी शुरुआत दे रहे हैं और मिडल ऑर्डर में तो सुरेश रैना अपना काम कर ही देते हैं। अब देखते हैं आज मोइन अली फिट है कि नहीं, क्योंकि मोइन अली के आने से सीएसके की टीम और ज़्यादा ही बैलेंस हो गई है और पावर प्ले में दीपक चहर तो विकेट निकाल के दे ही देते हैं और एंड में फिनिशर के तौर पर सैम करन भी कुछ अच्छे हिट मार ही देते हैं। धोनी की कैप्टनशिप इस पूरे आईपीएल में अच्छी रही है। अब देखते हैं आज सीएसके अपने जीत का सिलसिला आगे भी जारी रख पाती है कि नहीं। वहीं दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की परफॉर्मेंस लगातार गिरती ही जा रही है। उनके मिडिल ऑर्डर की प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं हो पा रही है। पूरी टीम 3 बल्लेबाजों पर टिकी हुई है, उसमें से भी डेविड वार्नर फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। उनको मिडिल ऑर्डर में मनीष पांडे को खिलाना ही चाहिए, क्योंकि कोई और बल्लेबाज भी मिडिल ऑर्डर में परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। उनके पास मिडिल ऑर्डर है में एक अच्छा फिनिशर तो नहीं है। जॉनी बेयरस्टो एक अच्छा स्टार्ट तो दे देते हैं और केन विलियमसन पारी को आगे तक ले जाते हैं, लेकिन पारी को फिनिश करने वाला कोई भी नहीं है। उनके पास एक अच्छा फिनिशर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पारी को एंड में फिनिश कोई नहीं कर पाता, जो आखिर के 4 ओवरों में उनको अच्छे रन 50 रन बना के दे सके। सुपर किंग्स वर्सेस सनराइजर हैदराबाद के बीच खेला गया था। एसआरएच ने पहले बैटिंग करते हुए 171 रन बनाए, जवाब में सीएसके की टीम ने 18.3 ओवर में ही टारगेट हासिल कर लिया। एसआरएच की टीम पहले बैटिंग करने आई और उनकी शुरुआत अच्छी नहीं रही और फॉर्म में चल रहे जॉनी बेयरस्टो जल्दी आउट हो गए। उन्होंने सिर्फ 7 रन ही बनाए। फिर एक
एक बार फिर तीसरे नंबर पर मनीष पांडे बैटिंग करने आए। उन्होंने एक अच्छी पारी खेली। उन्होंने मैनेजमेंट को बता दिया कि वो एक अच्छे स्ट्राइक रेट से भी रन बना सकते हैं। उन्होंने 46 बॉलों पे 61 रन बनाए, लेकिन फिर एक बार वो अपनी पारी को अंत तक नहीं ले जा पाए। डेविड वार्नर ने भी उनका अच्छा साथ दिया और 55 बॉलों पे 57 रन बनाए, लेकिन डेविड वार्नर बिल्कुल अपने फॉर्म में नहीं लग रहे थे उनसे, और उनकी स्लो पारी ही एसराज के हार का रीज़न बनी। उनकी टाइमिंग भी अच्छी नहीं हो रही थी। वहीं केन विलियमसन ने एक छोटी पारी खेली और टीम को 170 के पार पहुंचाया। उन्होंने 10 बॉलों पर 26 रन बनाए। एसआरएच टीम को अगर जीतना है तो विलियमसन को तीसरे नंबर पर ही खिलाना पड़ेगा। एसआरएच की टीम अब 6 मैचेस में 5 हार के साथ पॉइंट टेबल में सबसे लास्ट में है। वहीं बॉल के साथ राशिद खान ने भी अच्छी बॉलिंग की। उन्होंने अपने एक ही ओवर में 5 डुप्लेसी और मोइन अली का विकेट निकाल के दिया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी, उनको और किसी बॉलर का साथ भी नहीं मिला। भुवनेश्वर कुमार की इंजरी टीम की एक बहुत बड़ी सरदर्दी बनी हुई है और उनका बॉलिंग अटैक बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया। अब आगे के मैचेस में देखते हैं सनराइजर्स हैदराबाद क्या करती है। वहीं टारगेट का पीछा करने आई सीएसके की टीम को 5 डुप्लेसी और ऋतुराज गायकवाड़ ने एक बार फिर अच्छी शुरुआत दिलाई और सीएसके ने पावर प्ले में ही 50 रन बना दिए बिना किसी विकेट खोए। दोनों ने पहले विकेट के लिए 129 रन जोड़े और सीएसके को जीत का रास्ता साफ कर दिया। फैफ डुप्लेसी ने 38 बॉलों पे 56 रन बनाए। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने 44 बॉलों पे 75 रन की पारी खेली। सीएसके की टीम अब बिल्कुल बैलेंस नजर आ रही है। उनको हराना बहुत ही मुश्किल सा लग रहा है। उनके पास अच्छे ऑलराउंडर भी हैं, उनके पास बॉलिंग अटैक भी अच्छा है, उनके पास बैट्समैन भी बहुत अच्छे हैं। वो अपने 6 मैचों में 5 के साथ पॉइंट टेबल में फिर से टॉप पर पहुंच गए हैं। धोनी की चेन्नई एक्सप्रेस इस बार सच में एक्सप्रेस की तरह खेल रही है। इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया। पंजाब किंग्स ने टॉस जीत कर पहले फील्डिंग का फैसला लिया और मुंबई इंडियंस को 131 रन पे ही रोक दिया। जवाब में पंजाब किंग्स की टीम ने एक विकेट खो के 17.4 ओवर में इस टारगेट को हासिल कर लिया। इसी के साथ दोनों ही टीम अपने 5 मैचेस में 2 जीत के साथ आगे बढ़ गई है। मुंबई इंडियंस की तरफ से रोहित शर्मा ने इस स्लो पिच पे अच्छी बल्लेबाजी की। उन्होंने बता दिया कि क्यों वो वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैनों में से एक हैं। उन्होंने 52 बॉलों पर 63 रनों की पारी खेली। सूर्य कुमार यादव को छोड़कर और किसी बल्लेबाज ने उन साथ नहीं दे पाए। सूर्य कुमार यादव ने 27 बॉलों पर 33 रन बनाए। एक बार फिर पांड्या ब्रदर्स का फ्लॉप शो जारी रहा और उनके बैट्समैन फिर एक बार रन नहीं बना पाए। मुंबई इंडियंस की टीम ने आखिरी 4 ओवर में सिर्फ 26 रन ही बनाए और 4 विकेट भी खो दिए और पहले 6 ओवर पावर प्ले में सिर्फ 30 रन ही बनाए। लगातार 5 मैचेस में पांड्या ब्रदर्स का फेल होना मुंबई इंडियंस के लिए चिंता की बात बनी हुई है। अब देखते हैं मुंबई इंडियंस आगे के मैचेस में क्या करते हैं। वहीं पंजाब किंग्स की ओर से केएल राहुल ने कैप्टन वाली पारी खेली और मैच फिनिश करके ही वापस आए। उन्होंने 52 बॉलों पर 60 रन बनाए और नॉट आउट रहे। पहले मयंक अग्रवाल और फिर क्रिस गेल ने उन्हें अच्छा साथ दिया। ऐसी स्लो पिच में बैटिंग करके क्रिस गेल ने बता दिया क्यों कि अभी भी उनमें क्रिकेट बची हुई है, वो ऐसे पिच पे भी खेल सकते हैं। उन्होंने 33 बॉलों पर 43 रन बनाए और अच्छी इनिंग खेली और अंत तक केएल राहुल के साथ बने रहे। पंजाब किंग्स की ओर से रवि बिश्नोई और मोहम्मद शामी ने भी अच्छी बॉलिंग की। मैंने आपको पहले ही बोला था कि रवि बिश्नोई को ऐसे पिच में खिलाना बहुत ही ज़रूरी है। वो एक अच्छे बॉलर हैं और विकेट निकाल के देते हैं। उन्होंने ये साबित कर दिया। उन्होंने अपने 4 ओवरों में 21 रन देके 2 महत्वपूर्ण सफलता हासिल की, जिसमें एक सूर्य कुमार यादव की इंपॉर्टेंट विकेट थी। पंजाब किंग्स के लिए इस मैच में सब कुछ सही रहा। इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में खेला जाएगा। दोनों ही टीम अपने 5 मैच में सिर्फ 2 मैच में ही जीत पाई है। मुंबई इंडियंस की परेशानी उनकी बल्लेबाजी बनी हुई है। रोहित शर्मा अपने स्टार्ट को बड़े स्कोर में नहीं बदल पा रहे हैं, तो वहीं क्विंटन डिकॉक भी फॉर्म में नहीं चल रहे। क्या मुंबई की टीम आज क्विंटन डिकॉक की जगह क्रिस लिन को खिलाएगी? और वो लगातार ही फ्लॉप हो रहे हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम मुंबई इंडियंस के लिए उनका मिडल ऑर्डर है। ईशान किशन भी अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। सिर्फ सूर्य कुमार यादव ही उनको कुछ रन बना के दे देते हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम तो मुंबई इंडियंस के लिए हार्दिक पांड्या का फॉर्म में है, क्योंकि वो बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। क्योंकि वो पांड्या एज अ बैट्समैन खेल रहे हैं, क्योंकि वो उनकी इंजरी की वजह से वो बॉलिंग भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका रन बैट के साथ कॉन्ट्रीब्यूट करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर मुंबई इंडियंस को मैच जीतना है तो। और वहीं रही बात कुणाल पांड्या की, वो भी बिल्कुल ही फॉर्म में नहीं चल रहे हैं और ना ही विकेट निकाल के दे रहे हैं और ना ही रन उनसे रन लग रहे हैं। मुंबई इंडियंस के लिए अच्छी बात यह है कि उनके बॉलर्स बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं और मैच जिता के मुंबई इंडियंस को दे रहे हैं।
लेकिन मुंबई इंडियंस को अगर जीतना है तो उनके बल्लेबाजों का भी चलना बहुत जरूरी है। अब आज के मैच में देखते हैं मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। और वहीं बात हम अगर राजस्थान रॉयल्स की करें तो उनके लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। एक तो वो अपने प्लेयर्स की इंजरी से भी बहुत परेशान है और उनके जो प्लेयर्स हैं वो फॉर्म में भी नहीं है, मेरा मतलब जॉस बटलर से है। हाँ, जॉस बटलर का बल्ला अभी तक बिल्कुल ही शांत रह रहा है। अगर राजस्थान रॉयल्स को जीतना है तो जॉस बटलर को एक अच्छा स्टार्ट देना ही होगा। वहीं संजू सैमसन ने पिछले मैच में अच्छी पारी खेली थी, उसे देख के ऐसा लग रहा था कि अब वो फॉर्म में आ गए हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते कि वो कब तक फॉर्म में रहेंगे क्योंकि वो हमेशा एक लूज शॉट खेल के आउट हो जाते हैं। राजस्थान रॉयल्स का मिडल ऑर्डर सब IPL की टीम में से सबसे ज़्यादा वीक है। वो उनके पास ऑप्शन वो क्या करें उनके पास ऑप्शन भी बहुत कम है। हाँ, क्रिस मॉरिस ने ज़रूर फॉर्म दिखाई है और राजस्थान रॉयल्स के दो मैच जिताने में योगदान भी दिया है। बैट और बॉल दोनों से वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के लिए कोई ऐसा फिनिशर चाहिए जो मैच खत्म कर सके। दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में खेला जाएगा, जहां DC की टीम 6 में से 4 मैच जीत चुकी है, वहीं KKR की टीम 6 में से सिर्फ 2 ही मैच जीत कर यहां पहुंची है। DC की टीम बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है, बस उनका मिडल ऑर्डर में ही थोड़ी प्रॉब्लम है। स्मिथ भी फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं। स्मिथ और रहाणे के बीच में उन्हें सिर्फ एक को खिलाना पड़ेगा, देखते हैं आज वो किसे खिलाते हैं। DC की टीम के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उनको ओपनिंग स्टार्ट अच्छा मिल जाता है, पृथ्वी शाह और शिखर धवन उनको स्टार्ट दे देते हैं। बस एक कमी थी फिनिशर की तौर पे, जो कि पिछले मैच में शिवम ठंडमाई ने पूरी कर दी। वही दिल्ली कैपिटल्स की टीम पिछला मैच सिर्फ 1 रन से हार गई हो, लेकिन ठंडमाई ने बहुत अच्छी पारी खेली। दिल्ली कैपिटल्स के लिए परेशानी की बात उनके स्टार बॉलर रबाडा का फॉर्म में नहीं होना है, वो पावर प्ले में बिल्कुल ही विकेट निकाल के नहीं दे पा रहे हैं। आज रबाडा वर्सेस रसल देखने में मजा आएगा, देखते हैं आज कौन बाजी मारता है। वहीं दूसरी तरफ KKR की टीम भले ही दूसरा मैच जीत गई हो, लेकिन उसका टॉप ऑर्डर बिल्कुल ही फ्लॉप चल रहा है। पहले के दो मैच को छोड़ दें तो नीतीश राणा से बिल्कुल भी रन नहीं लग रहे हैं, और वहीं शुभमन गिल की बात करें तो उनसे तो एक भी मैच में रन नहीं लगे, उनका फॉर्म उनका साथ बिल्कुल नहीं दे पा रहा है। अगर KKR को आगे के मैचेस जीतना है तो उनको स्टार्ट अच्छी देनी पड़ेगी, नहीं तो सुनील नारायण से भी ओपन करवाने के बारे में KKR की टीम सोच सकता है। KKR के लिए अच्छी बात यह रही कि पिछला मैच उनके कैप्टन यॉन मॉर्गन का थोड़ा फॉर्म दिखा और उन्होंने संभल के खेलते हुए एक कैप्टन वाली पारी खेली थी, और पिछले मैच में ही सुनील नारायण ने विकेट निकाला था, जो KKR के लिए अच्छी बात रही। पर पैट कमिंस का भी विकेट निकालना बहुत ज़रूरी है, जो कि पावर प्ले में या फिर एंड ओवरों में दिखाई नहीं दे रहा है। देखते हैं आज रसल का फिर बेंगलोर और पंजाब किंग्स के बीच में खेला गया था। पंजाब किंग्स ने पहले बैटिंग करते हुए 179 रन बनाए, जवाब में RCB की टीम ने 20 ओवर में 145 रन बनाए और 34 रन से मैच हार गई। पंजाब की तरफ से KL राहुल ने कैप्टन वाली पारी खेली, उन्होंने 57 बॉलों पे 91 रन की शानदार पारी खेली। मयंक अग्रवाल के ना खेलने से पंजाब की बैटिंग लाइनअप थोड़ी सी वीक ज़रूर हो गई थी। क्रिस गेल ने भी राहुल का अच्छा साथ निभाया, उन्होंने 46 रन की पारी खेली और वो भी सिर्फ 24 बॉलों पे। लेकिन फिर एक बार पंजाब टीम का मिडल ऑर्डर बुरी तरह से फ्लॉप रहा और इस सीजन में एक बार फिर निकोलस पूरन 0 पे आउट हो गए। पता नहीं क्यों पंजाब की टीम बार बार पूरन को मौके दिए जा रही है, जबकि उनके पास डेविन मनाल जैसे वर्ल्ड T20 के नंबर 1 बैट्समैन भी हैं। अगले मैच में पंजाब को इसके बारे में कुछ सोचना ही पड़ेगा। आज पंजाब की टीम की तरफ से एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी आ गया था हरदीप बरार के नाम से, उन्होंने लास्ट में अच्छी बैटिंग की और पंजाब को एक फाइटिंग टोटल तक पहुंचाया। उन्होंने 17 बॉलों पे 25 रन बनाए जिसमें 2 छक्के भी शामिल हैं। अब देखते हैं आगे के मैचेस में पंजाब की टीम कैसा परफॉर्म करती है। जवाब में आए RCB की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और देवदत्त पाटीकल जल्दी ही आउट हो गए। विराट कोहली एक अच्छे फॉर्म में दिख जरूर रहे थे, लेकिन पारी के 10वें ओवर में आए हरप्रीत बरार और उन्होंने क्या बॉलिंग की, आज उनका तो सपना ही सच हो गया। किसी भी बॉलर के लिए ऐसा ड्रीम स्पेल होता है। उन्होंने पारी के 10वें ओवर की पहली बॉल पे कोहली को बोल्ड कर दिया और अगली बॉल पे मैक्सवेल को 0 पे आउट कर दिया और अपने अगले ओवर में डिविलियर्स को आउट करके अपने 4 ओवर में 19 रन देके RCB के तीनों इंपॉर्टेंट प्लेयर के विकेट भी निकाल के दी। RCB की टीम फिर से एक बार चौक कर गई और रवि बिश्नोई ने फिर भी अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने अपने 4 ओवर में सिर्फ 17 रन दिए और 2 विकेट भी चटकाए। जब से पंजाब की टीम ने बिश्नोई को खिलाया उनकी बॉलिंग अटैक भी थोड़ी अच्छी हो गई है।
अब देखते हैं हल्का मैच दो चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस वर्सेस सीएसके के बीच खेला गया था। सीएसके ने पहली बैटिंग करते हुए अपने 20 ओवर में 218 रन बनाए, जवाब में मुंबई की टीम ने अपने 20 ओवर में 219 रन बना के आईपीएल हिस्ट्री में चेस करते हुए सबसे बड़ी जीत अपनी दर्ज की। सीएसके की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और ऋतुराज गायकवाड़ जल्दी आउट हो गए फिर मोइन अली ने उनकी कमी नहीं होने दी और एक बहुत अच्छी शुरुआत दिलाई। उन्होंने 36 बॉलों पे 58 रन की पारी खेली जिसमें 5 छक्के शामिल थे। काफ ने भी अपने अच्छे फॉर्म को जारी रखा और अपने 28 बॉलों 50 रन बनाए और दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 100 रन जोड़े और लास्ट में अंबती रायडू ने अपने आईपीएल कैरियर के सबसे बेहतरीन पारी में से एक खेली और सीएसके के टोटल को 218 तक ले गए। उन्होंने 27 बॉलों पे 72 रन की पारी खेली जिसमें 7 छक्के शामिल थे, पर इतने बड़े टोटल को भी सीएसके की टीम डिफेंड नहीं कर पाई। अब देखते हैं इस हार से क्या टारगेट का पीछा करने आई मुंबई इंडियंस की टीम की शुरुआत अच्छी रही और रोहित शर्मा और डीकॉक ने पहले विकेट के लिए 70 रन जोड़े, लेकिन फिर बाद में मुंबई इंडियंस ने लगातार 3 विकेट खो दिए और ऐसा लग रहा था कि वो आसानी से मैच हार जाएगी, पर अभी तूफान का आना बाकी था। पोलार्ड के नाम से आया एक ऐसा तूफान जो सीएसके के मुंह से जीत निकाल के ले गया। क्या पारी खेली आज पोलार्ड ने, उन्होंने यह बता दिया कि अभी भी उनमें क्रिकेट बची हुई है। उन्होंने 87 रन की शानदार पारी खेली सिर्फ 34 बॉलों पे जिसमें 8 छक्के शामिल थे। आज सीएसके के सैम करन को छोड़ के सब बॉलर्स की अच्छी से पिटाई हुई। सैम करन ने एक बार फिर सीएसके को मैच में ले आए थे। उन्होंने अपने 4 ओवर में 3 विकेट लिए पर किसी और बॉलर ने उनका साथ नहीं दिया। लुंगी नगीड़ी ने अपने 4 ओवर में 62 रन खर्च किए। मैच का टर्निंग पॉइंट तो फैफ डुप्लेसी का कैच छोड़ना था जो आज उन्होंने पोलार्ड की छोड़ी। ऐसे कैच तो वो नॉर्मल लेते हैं लेकिन शायद आज पोलार्ड का ही दिन था। मुंबई इंडियंस ने बाकी टीम को ये बता दिया कि अभी भी टूर्नामेंट में वो जिंदा है। अब राजस्थान रॉयल्स और एसआरएच के बीच में खेला जाएगा जो दिन में होगा। जहां एसआरएच की टीम अपने 6 मैचेस में सिर्फ एक ही जीत पाई है, वहीं आरआर की टीम अपने 6 मैचेस में 2 मैच जीती है। आज के मैच में दोनों ही टीम के लिए जीतना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी भी। जहां एसआरएच की टीम अपने न्यू कैप्टन केन विलियमसन के साथ उतरेगी, अब देखते हैं कैप्टन चेंज करने के साथ ही एसआरएच की किस्मत भी चेंज होगी कि नहीं और एसआरएच की टीम डेविड वार्नर को ड्रॉप करने के बारे में आज सोच सकती है, क्योंकि जॉनी बेल्ट जो अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं और राशिद खान तो खेलेंगे ही, तो शायद डेविड वार्नर ड्रॉप हो सकते हैं। वैसे विलियमसन अच्छे कप्तान भी हैं, उनकी कैप्टनशिप में न्यूजीलैंड की टीम लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब देखते हैं केन विलियमसन का लक आज एसआरएच को जिता पाती है कि नहीं। मनीष पांडे ने भी पिछले मैच में अच्छी पारी खेली थी और वो नंबर 3 पे ही खेलेंगे और विलियमसन मिडिल ऑर्डर संभालेंगे और देखते हैं कि भुवनेश्वर कुमार फिट हैं कि नहीं, वो आज का मैच खेलेंगे कि नहीं। देखते हैं आज अपने न्यू कैप्टन के साथ एसआरएच कैसा परफॉर्म करती है। राजस्थान रॉयल्स की टीम ने पिछला मैच तो अच्छी शुरुआत की थी, पर जॉस बटलर भी अच्छे फॉर्म में दिखे और जायसवाल ने भी कुछ अच्छे शॉट्स खेले, मगर आरआर की टीम के लिए चिंता की बात तो उनका मिडिल ऑर्डर है जो उसे बहुत ही कमजोर बना देता है। वर्सेस आरआर के बीच में खेला गया था। आरआर ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवरों में 220 रन का मुश्किल टारगेट रखा, जवाब में एसआरएच की टीम अपने 20 ओवर में 165 रन ही बना पाई और 55 रन से मैच हार गई। पहले बैटिंग करने आई आरआर की टीम के लिए आज सब अच्छा रहा। आरआर टीम के टॉप के प्लेयर ने टॉप परफॉर्मेंस किया। जॉस बटलर आज बहुत अच्छे फॉर्म में थे, उन्होंने एक T20 क्रिकेट में अपनी पहली सेंचुरी बनाई। उन्होंने अपने 124 रन की पारी सिर्फ 64 बॉल पे खेल के बनाई, इसमें 8 चौके शामिल थे। जायसवाल तो जल्दी आउट हो गए पर संजू सैमसन ने उनका अच्छा साथ निभाया और दोनों ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए 150 रन जोड़े। जॉस बटलर इसे अपने स्टार्ट को बड़ी पारी में तब्दील किया। उन्होंने एसआरएच के हर एक बॉलर की अच्छे से पिटाई की और ग्राउंड के हर तरफ शॉट मारे और आज बॉलर्स ने उनका साथ भी दिया। आरआर के बॉलर्स ने मुस्तफिजुर और क्रिस मॉरिस दोनों ने अच्छी बॉलिंग की और दोनों ने 3-3 विकेट निकाले अपनी टीम के लिए। अब देखते हैं आज आगे के मैचेस में आरआर की टीम कैसा परफॉर्म करती है। जवाब में एसआरएच की भी शुरुआत अच्छी रही और पहले विकेट के लिए 57 रन जोड़े, लेकिन अगर इतने बड़े स्कोर तक पहुंचना है तो उन जॉनी बेयरस्टो का चलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। एसआरएच का कोई भी बल्लेबाज आज कुछ ज़्यादा नहीं कर पाया। मनीष पांडे का ही हाई स्कोर राज, वो भी सिर्फ 31 रन। एसआरएच की आज प्लेइंग 11 बिल्कुल भी समझ नहीं आई। आज एसआरएच की टीम मोहम्मद नावी को क्यों खिलाया और खिलाया भी तो सिर्फ उनसे एक ही ओवर क्यों कराया। अगर वार्नर को ड्रॉप ही करना था तो जैसन रॉय को या
जैसन होल्डर को खिलाना चाहिए था। पता नहीं एसआरएच की प्लेइंग 11 के डिसीजन कौन लेता है। कैप्टन चेंज कर लिया पर वो आज भी अपनी किस्मत चेंज नहीं कर पाए। केन विलियमसन ने आज कैप्टनशिप में भी थोड़ी चूक हुई। उन्होंने राशिद खान के ओवर 11वें ओवर तक ही कंप्लीट कर दिए और मोहम्मद नबी से भी वो पूरे अपने 4 ओवर नहीं खिला पाए। अब तो प्ले ऑफ के लिए एसआरएच के रास्ते बहुत ही मुश्किल हो गए हैं। अब देखते हैं आगे के मैच में एसआरएच क्या करती है। वहीं आईपीएल का दूसरा मैच कल डीसी वर्सेस पंजाब के बीच खेला गया था। पंजाब की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए अपने 20 ओवरों में 166 रन बनाए। जवाब में दिल्ली की टीम ने यह टारगेट 17.4 ओवर में ही बड़ी आसानी से हासिल कर लिया। पहली बैटिंग करने आई पंजाब की टीम केएल राहुल के बिना थोड़ी सी वीक लगी और अपने न्यू कैप्टन मयंक अग्रवाल के साथ उतरी। और मयंक अग्रवाल ने आज कैप्टन वाली पारी खेली। उन्होंने 58 बॉलों में 99 रन की पारी खेली और अपनी टीम को 166 रन तक पहुंचाया और अंत तक नॉट आउट भी रहे। उनको किसी भी बल्लेबाज का साथ नहीं मिला और आज क्रिस गेल भी जल्दी आउट हो गए। मयंक अग्रवाल ने लाजवाब बैटिंग की और ग्राउंड की हर तरफ से शॉट खेली। निकोलस पूरन की जगह उन्होंने डेविड मनान को खिलाया लेकिन उनका पहला मैच था इसीलिए फॉर्म ज़्यादा नहीं दिख पाया। पंजाब की टीम के लिए यहाँ से प्लेऑफ की मुश्किलें राहें और ज़्यादा मुश्किल हो गई है। वहीं दूसरी तरफ आई दिल्ली की टीम एक बार फिर उनके ओपनर पृथ्वी शॉ और शिखर धवन ने अच्छी शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 6 ओवरों में 63 रन जोड़े। पृथ्वी शॉ तो बहुत अच्छे फॉर्म में तो चल ही रहे हैं और सारे क्रिकेटिंग शॉट्स खेल रहे हैं। वहीं शिखर धवन भी बेहतरीन फॉर्म में हैं और इस आईपीएल में ऑरेंज कैप होल्डर भी हैं। डीसी की टीम के लिए इस आईपीएल में सब कुछ अच्छा हो रहा है। उनके ओपनर्स तो स्टार्ट दे ही रहे हैं, उनके मिडल ऑर्डर भी रन बना के दे देते हैं उनको और हिटमायर के तौर पे एक अच्छे फिनिशर भी मिल गए हैं जो अंत में मैच फिनिश कर देते हैं। अक्षर पटेल की टीम में आने से दिल्ली की टीम और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। वो मिडल ओवर में विकेट निकाल के दे देते हैं और रबाडा का फॉर्म में आने से भी दिल्ली की चिंता भी खत्म हुई। इसी जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स फिर से टॉप पे पहुंच गई है। यह थी आईपीएल की जर्नी में जो कि मेरे वीडियो के माध्यम से थी और इसे आप एक हाइलाइट्स भी कह सकते हैं। और ये वीडियो मैंने इसलिए डाली क्योंकि एक आईपीएल का रिकैप होता रहे और आपको भी ये पता लगता रहे कि आईपीएल अभी स्टार्ट होने वाला है, आईपीएल का फीवर अभी भी है लोगों के मन में, तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो डाली है। तब तक बने रहिए हमारे इसी चैनल पे जो लेकर आता है देश और दुनिया से जुड़ी हुई हर एक खबर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।